आप में से कितने लोगों का इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में है चार और हिंदी बाकी सब कोई तो और मीडियम इन दोनों के अलावा नहीं जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी समझते हैं वैसे वो तो चारों लोग बताएं हाँ और हिंदी वाले थोड़ी सी इंग्लिश समझ लेते हैं तो मिक्स कर लेंगे जैसे ऐसे होगा जैसे जरूरत पड़ेगी ठीक है और आपको क्या अनुमान है कब आपका इंटरव्यू होने वाला है डेट्स वगैरह पता लग गई अभी नहीं अंदर किसी खुफ़िया तरीके से पता लगवाया हो किसी ने चौबीस फरवरी शुरू हो रहा है चौबीस से कंफर्म है या खुफिया जानकारी <laughs> अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि पहले आई एफ एस के इंटरव्यू होंगे ना शायद उसके बाद हाँ तो यही लग रहा था कि बीस के आसपास उसके बाद ही शुरू हो पाएंगे तो आज की क्लास तो हम सिर्फ इस बारे में लेंगे कि डेफ को लेकर जो आपके डाउट्स हैं वो हम दूर कर लें और फिर इस बार इंटरव्यू के लिए कुछ और क्लासेस प्लान किए हैं हमने कुछ दिन पहले बात हुई थी रवि बैठे हो हाँ तो ये रवि सिहाग जी बैठे हैं ना इनसे कुछ बात हुई दो दिन पहले हमारी तो हमने कोशिश की एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रोग्राम करें कि जिन बच्चों में थोड़ा सा कम अभी मंच का अभ्यास है या खुले हुए नहीं है अगर कुछ आठ दस दिन की ऐसी एक्टिविटीज हो जिसको खुलने का मौका मिले ठीक से तो इनका कहना था कि हाँ उससे चांस बनता है कि दस बीस नंबर तक हम एवरेज हर विद्यार्थी के बढ़ा सकें तो हम उस पर काम कर रहे हैं बहुत जल्दी उसको शुरू करेंगे तो वही आज डेफ कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं कुछ देर के बाद ठीक है तो डेफ पर अभी क्या क्या क्वेरीज हैं अगर आप मुझे बता दें तो ज़्यादा आसान रहेगा नहीं तो वो तो तीन चीज़ें हैं ही बेसिकली एक आप चाह रहे होंगे सर्विस प्रेफरेंस पे बात करना और इंटरेस्ट हॉबीज पे और कार्डर प्रेफरेंस यही तीन चीजें बेसिकली होंगे ना पास तो एक तो सर्विस प्रेफरेंस शुरू यहीं से कर देते हैं सर्विस प्रेफरेंस से जो लोग आप में से पहले अटेम्प्ट वाले होंगे या शुरुआती फेज में होंगे उनको तो तीन के बाद से बराबर लगता होगा आई एस आई पी एस और आई आर एस या आई एफ एस आईएरस ये चार मान लीजिए आई के दोनों मान के उसके बाद तो सब बराबर है तो देखिए क्या करना है सर्विस प्रेफरेंस का खेल इस बात का है कि आपकी उस सर्विस से अपेक्षाएं क्या क्या है इसलिए सबसे पहले अपने नेचर को पहचान लीजिए अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप एक शांत और ऐसा जीवन चाहते हैं कि टाइम आपको मिले थोड़ा अपने शौक रुचियाँ पूरी कर सके शाम को छः बजे के बाद का समय आपका अपना हो होने वाले बच्चों के साथ समय गुजरे अगर वैसा जीवन चाह रहे हैं तो फिर अलग सर्विसेज होंगी आपकी अगर आप धूमधाम वाले व्यक्ति हैं जो चाह रहे हैं कि चौबीस घंटे काम रहे हर समय फ़ोन आता रहे कभी सी एम का फ़ोन कभी इसका फोन और आपको तीन बजे भी फोन आए सी एम साहब लाइन पर होंगे वैसा जीवन चाहिए तो प्रेफरेंसेज थोड़ी सी अलग हो जाएंगे ठीक है तो मैं आपको हर तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ जहाँ तक शुरुआत की बात है मेरे ख्याल से पहली प्रेफरेंस तो आप सबको बिना ज़्यादा सोचे आई एस लिख देनी चाहिए हालांकि आप में से कुछ लोगों के मन में होगा कि आईपीएस नंबर एक पर लिखें कि आप में कोई ऐसा है जो आईपीएस नंबर एक पढ़ना चाह रहा है शर्माइए हाथ खड़ा कीजिए आए नहीं है अच्छा और आई एफ एस फॉरन सर्विस कोई भी नहीं तो बात ही खत्म हो गई हम सब सहमत हो गए आराम से ठीक है वैसे भी अगर आपके मन में ऐसा भाव आए कभी कि आपका कोई दोस्त हो जिसके मन में डाउट हो कि उसका मन तो करता है आई का तो आई का मन जनरली करने की दो वजह हो सकती है एक तो वर्दी का शौक कई लोगों को होता है दूसरा कुछ लोगों को एक लिस्ट होती है जिनको ठीक करना होता है तो सोचते हैं कि आई पी बन के ठीक करेंगे उन लोगों को आमतौर तो पर इन दो वजहों से लोग आई बनना पसंद करते हैं एक तीसरी वजह होती है कि बचपन से किसी पुलिस को देखा तब से मन है पुलिस ही बनना है तीसरी वजह तो ठीक है अगर आपकी वजह यह है कि आपको पुलिस में ही जाना है कुछ और अच्छा लगता ही नहीं आपको तब तो ठीक है ऐसे लोग पुलिस में ही अच्छे रहते हैं अगर केवल वर्दी के शौक़ से जा रहे हैं तो उसका आसान तरीका है कि एक वर्दी सिलवा लें अलग से और रात को पहन के शीशे में देख लें दो चार प्रिय लोगों को दिखा दें है ना और जो लिस्ट बनाई है अगर आपने कुछ लोगों को ठीक करने के लिए तो आईपीएस में रह के भी ठीक करना बहुत आसान नहीं है आजकल क्योंकि फिर मानवाधिकार आयोग आपको ठीक करेगा बाद में और अगर ठीक करने पे कोई आई जाएगा तो आई में रह के भी कर लेगा तो उसके लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप आईएस में क्या आईपीएस में आईएस बहुत ऊंची सर्विस है किसी भी और सर्विस से तो इस पर आप कोई डाउट ना रखें नंबर एक पर तो आईएस रखें अब नंबर दो अगर आपको जीवन में चाहिए खूब धूमधाम पावर लोग सलाम ठोके और रजगुण अगर आपके अंदर ज्यादा है रजगुण समझते हैं मतलब मूवमेंट पावर इन सब का शौक अगर आपको ज्यादा है तो आईपीएस इज द नेचुरल सेकेंड चॉइस ठीक है अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि आप आईपीएस में क्या क्या बनेंगे कब एस बनेंगे फिर एस एस पी डीआईजी आईजी एडीजी डी जी डीजीपी कैसे बनते हैं क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको उन सब चीजों का है तो पावर जिनको चाहिए उनके लिए आईपीएस से बढ़िया कोई जॉब नहीं है लेकिन हाँ पी में वही लोग जाएँ जिनको थोड़ा हिंसा करने में ख़राब नहीं लगता है कभी गोली चलानी पड़ जाए मारे पिटाई करनी पड़ती है और हो भी जाती है कई बार दोनों बातें हैं आप दंगाइयों के पीछे भाग रहे थे फिर देखा पीछे दंगाई और भी आ रहे थे तो दोनों तरफ से वो आपके पीछे भी है। तो ये तो हो ही सकता ना कि आप रेस्तौर ले के जा रहे हो पत्थर लेके आए हुए हैं दो चार पत्थर ले गए खून वून बह गया तो अगर आप उन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेर्ड हैं तो आई ठीक है अगर आपका मन करता हो कि मैं थोड़ा देश में रहूं, थोड़ा विदेश में रहूं, दुनिया घूमू लिखू, किताबें लिखूं, किताबें पढ़ूं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में रिबन काटूं और एग्जीबिशंस की शुरुआत करूं, कोई मतलब आर्टिस्ट वाली जो ज़िंदगी है उसके नज़दीक रहूं, और यूएन एन मिशन में रहूं, दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाऊँ अगर वैसा मन करता है शर्त है कि उसमें आपकी भाषा भी पकड़ हो जैसे अंग्रेजी और बाद में कम से कम एक भाषा और फ्रेंच हो सकती है लेटिन हो सकती है वो आप जब उस सर्विस में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी भाषा सीखनी है एक कार्डर मिलता है उसमें भी वो सीखनी पड़ती है अगर वैसा इंटरेस्ट है आई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिंदगी भर बाहर रहेंगे एक आई अधिकारी अगर चाहे तो अपनी आधी जिंदगी के आसपास आधी वर्क लाइफ के आसपास भारत में गुजार सकता है कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है डेपुटेशंस भी होती हैं मैं ऐसे कुछ आई एफ ऑफिसर्स को जानता हूं जो आई में है लेकिन वो देश के बाहर बहुत कम ही गए हैं देश में ही रहते हैं और कहीं तो पासपोर्ट ऑफिसर हो जाते हैं वो भी एक बड़ी पोस्टिंग मानी जाती है फिर डेपुटेशन्स लेके वो आई वाले और कई अन्य सर्विसेज के पदों पर भी चले जाते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है लेकिन यदि आपको कम से कम अपना आधी वर्क लाइफ भारत से बाहर गुजारने का मन हो राजदूत बनने का मन हो आप 9 साल के सर्विस के बाद किसी छोटे से देश के राजदूत बन सकते हैं जैसे बुरुंडी के बन सकते हैं है ना नौ एक साल की सर्विस हो गई है चौदह साल की सर्विस का मतलब होता है कि अब आप सेंटर में आई में डायरेक्टर रैंक पे आ गए तो चौदह साल की सर्विस होते ही आप किसी ठीक ठाक देश के राजदूत जैसे अभी इराक में जो राजदूत है उसका नाम प्रदीप राजपुर है दृष्टि का बहुत पुराना स्टूडेंट था वो चौदह साल की सर्विस होते ही वो इराक में भारत का राजदूत हो गया है अगर आप किसी बढ़िया देश में राजदूत बनना चाहते हैं तो एटीन ईयर्स के बाद बन सकते हैं एटीन ईयरस का मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल आ गया जो बड़ा लेवल होता है और फिर बढ़ते बढ़ते मतलब ऐसा चांस बन सकता है कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या भारत के राजदूत हों जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन हाँ हो सकता है यूएन में आप किसी बढ़िया पोस्ट पर हो सकते हैं परमानेंट एम्बेसडर वहाँ हो सकते हैं हमारे ये सब है शानदार जॉब है उनके लिए नहीं है जिनको ढें ढहें की आदत है कि वो गाड़ी से निकले पचास सैल्यूट ठोके वो सब नहीं उनके लिए नहीं जिनका मन करता है कि दुनिया भर के डेलीगेट से बात करें विभिन्न देशों के लोग हैं उनसे बात चल रही है इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात चल रही है वैसा टेम्परामेंट है तो आई एफ एस नंबर दो पर जरूर भरी है देखो आई एफ एस में सेक्रेटरी लेवल की एक पोस्ट है फॉरेन सेक्रेटरी आई पी एस में भी टेक्निकली एक पोस्ट है सेक्रेटरी रैंक की मानी जाती है हालांकि जो डी जी पीज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिक्वेल तो सेक्रेटरी होते हैं लेकिन अगर अगर भारत सरकार के सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट का वर्गीकरण देखेंगे तो पोस्ट कुल मिला के सौ से एक के बीच में है और उसमें लिखा होता है कि आईपीएस के पास एक सीट है आईएफएस के पास एक सीट है आठ दस हैं वैज्ञानिकों के पास ऐसी सीटें और लगभग सौ नब्बे से सौ के बीच में है आई के पास इसलिए जब आप अपने सर्विस के लास्ट फेज में होंगे 25 साल के बाद की सर्विस उस समय ये अंतर समझ में आता है कि अगर आप आई ए एस हैं तो आपको सेक्रेटरी रैंक पर आने के इतने मौके हैं जो कि बाकी सेवाओं में सेक्रेटरी बनने का मौका लगभग शून्य के आसपास है एक आप चांस पास हो एक व्यक्ति उस सर्विस में होगा जो उस रैंक पर जाएगा बाकी कोई व्यक्ति जा नहीं पाएगा तो मेरी राय में सेकेंड प्रेफरेंस धूमधाम वालों के लिए आई पी एस शांत ग्लोबल जीवन जीने वालों के लिए आई एफ एस अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं कि पुलिस ने चाहिए क्योंकि आपको हिंसा पसंद नहीं है आपकी हाइट मान लीजिए उतनी नहीं है तो आपको लग रहा है मेडिकली आप फिट हैं ही नहीं या कलर ब्लाइंड है कोई ऐसा मामला है और देश के बाहर जाने का मन नहीं करता आपका रहने का घूमने का तो करता है रहने का मन नहीं करता है तो उसके बाद एक नेचुरल सी चॉइस है आई आर एस आई टी और उसके बाद एक चॉइस आ जाएगी आई आर एस जिसको आप बोलते हैं जीएसटी यही नाम लिखा हो ना तो जीएसटी लिखा होगा आप तो आई आर एस जी एस टी तो नंबर दो तीन चार पाँच पे जनरली आप इन ऑप्शन को लेकर चल सकते हैं इन पे कोई तो बहुत डिबेट है नहीं तो नंबर वन के बाद ये आई नहीं है तो आई एफ एस हो सकता है आई एफ एस में ध्यान रखिएगा अगर आप आई एफ एस बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको नंबर तीन पे रख दें आई पी एस के बाद रख दें अगर आप मेडिकली फिट हैं आई पी एस के लिए तो आई एफ एस नंबर तीन पे होने का मतलब है कि आपको मिलेगी ही नहीं बातें खत्म हो जाएगी अगर आप क्योंकि अगर आप बहुत पीछे रखेंगे तो सवाल उठेगा इंटरव्यू में ना इतना पीछे क्यों रखा है अगर आप उन सवालों से बचना चाहते हैं तो आप आई के बाद रखें आप मेडिकली फिट हैं तो आई ऊपर है ही अगर आई नहीं मिलेगा तो आई तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका रैंक आमतौर पर ऊपर ही रहता है अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि आई में मेडिकली अनफिट हो सकता हूँ मैं ऐसे दो तीन लोगों को जानता हूँ आई के बाद भरा आई पी के बाद भरा आई और आईपीएस के लिए मेडिकली एनफिट हो गए रैंक इतना अच्छा नहीं था कि आई बन जाए इतना बुरा नहीं था कि आई के नीचे चले जाए वो फंस गए आईएफएस में अब वो आई में हैं और लगभग रोज कोसते हैं इस बात को लेकर कि प्रेफरेंस भरते हुए बात क्यों नहीं है सोची हमने यदि आपको दशमलव में भी डाउट है मेडिकल फिटनेस पे आईपीएस के लिए हाइट कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है फिर वो नहीं हो सकता है फ्लैट फुट पार्शल फ्लैट फुट हो सकता है कई प्रॉब्लम्स हो सकती है उसमें पता भी नहीं होती है वहीं पता लगती है पहली बार अगर हल्का सा भी डाउट हो तो नंबर दो पे आईपीएस नंबर तीन पर आई कर दीजिए नंबर चार पर ये कर दीजिए अब दुनिया की कोई ताकत आपको आई एफ नहीं दिलवा सकती क्योंकि आई के लिए मेडिकली फिट होने का मतलब इतना है कि अगर आप हर मास के आदमी चल पा रहे हो सड़क पर समय आप मेडिकली फिट है आई के लिए उसमें कोई स्पेशल फिटनेस की जरूरत नहीं है। पुलिस के लिए होती है बाकी सबके लिए नहीं होती है स्पष्ट होगी बात एकदम तो हम एक से पांच तक मोटे तौर पर इन लेके चल सकते हैं इसके बाद जो तीसरा ग्रुप इसमें आ सकता है कि इन पांच के बाद किसे ले। पहले के जमाने में आई आर टी एस एक सर्विस हुआ करती थी जिसको खूब प्रेफरेंस मिलती थी अब आपको पता ही है कि एक सर्विस नहीं बन रही है आई आर एम एस इस साल जो लोग रेलवे के सर्विस भरेंगे वो इतिहास में आखिरी लोग माने जाएंगे जिन्होंने रेलवे के चार सर्विसेज का नाम भरा था ये मतलब ऐतिहासिक मौका आपके पास है कि आप उसके भरें और कहें कि हम इतिहास के आखिरी लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने इसको भरा था इसके बाद मेरे ख्याल से सबसे सेफ चॉइस है आई ए एस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज अकाउंट सर्विसेज हमारे इन यूपीएससी के सर्विसेज में ना एक तो है डिफेंस अकाउंट्स एक है रेलवे अकाउंट्स एक है सिविल अकाउंट्स और एक है ऑडिट अकाउंट्स जो बाकी तीन है एक पी एन टी अकाउंट्स भी है जो बाकी तीन सर्विसेज हैं रेलवे अकाउंट्स डिफेंस अकाउंट्स और सिविल अकाउंट्स वो तो सारी मिनिस्ट्रीज का काम देखती हैं रेलवे अकाउंट्स रेलवे का सिर्फ डिफेंस अकाउंट्स केवल डिफेंस तो मिनिस्ट्री का और जो सिविल अकाउंट्स है बाकी सारी मिनिस्ट्रीज का जो अकाउंटिंग वाला काम है वो देखते हैं उसके लोग चांसेस अब जैसे रेलवे का है वो तो मर्ज हो जाएगा आईआरएमएस में मेरे ख्याल से अगला प्रपोजल जो मुश्किल से अगले पाँच महीने छः महीने में शायद आ ही जाएगा ऐसी बात सुनने में आ रही है कि अकाउंट सर्विसेज को ही मर्ज करके एक सर्विस बना देंगे तो सिविल अकाउंट्स डिफेंस अकाउंट्स ये तो एक हो जानी चाहिए निकट भविष्य में ऑडिट अकाउंट्स जो सर्विस है वो कहने के लिए ऑडिट अकाउंट्स है बेसिकली वो ऑडिट सर्विस है उसमें अकाउंटिंग वाला काम नहीं के बराबर है उसमें ऑडिट वाला काम केंद्र नहीं और ऑडिट वाला काम आपको पता है कि अकाउंट्स बनाने के बाद अकाउंट्स का ऑडिट होता है तो ऑडिट वाले लोग हमेशा अकाउंट्स के ऊपर हावी रहते हैं इसलिए इन सर्विसेज में ऑडिट अकाउंट्स बेहतर है आप करीब 16 से 18 साल के सर्विस में अपने स्टेट के अकाउंटेंट जनरल बन जाएंगे जो कि बहुत ऊंचा पद होता है और उसके बाद धीरे धीरे सी ऑफिस में आएंगे और सी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट सी ए जो सेकेंड रैंक होता है वो इसी सर्विस के लोग जाते हैं बहुत ऊँचे उदे पर रहते हैं सीएजी तो अंत में कहा से आता जाता है यहां से आता है अचानक पैराशूट से आता है और वो सीएजी बन जाता है और ये पच्चीस तीस साल पूरा घिसने के बाद भी सीएजी नहीं बनते हैं लेकिन सीएजी के बाद वाले पदों पर ये लोग तो बैठते हैं अब आई के बाद अगर अकाउंटिंग सर्विसेस की बात करें मतलब आई को मैं इस बार महत्व नहीं दे रहा हूं वरना हम कैसा कहते हैं कि आई के बाद आई शानदार जॉब है अब डाउट है रेलवे मैनेजमेंट सर्विस आने के बाद तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद क्योंकि बहुत शानदार नौकरियाँ इसके बाद अब ऐसी हैं भी नहीं कुछ खास मेरे ख्याल से इसके बाद आप इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस को भरें सिविल अकाउंट्स में है कि शांत नौकरी है आमतौर तो पर दिल्ली में रहना है या बड़े शहरों में रहना है दस से छः की नौकरी है छः बजे के बाद जो भविष्य में बच्चे होंगे उन बच्चों के साथ आप समय गुजारेंगे परिवार के साथ समय गुजारेंगे और अपनी रुचियाँ पूरी करें और अच्छी नौकरी है डाइवर्सिटी है बता रहा कह रहा हूं इसमें और डिफेंस अकाउंट्स में जो बेसिक अंतर आएगा वो ये है कि इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है कभी आप इस मिनिस्ट्री में है कभी उस मिनिस्ट्री में है ये सब एक फायदा मिलता है डिफेंस अकाउंट्स जो है उसमें डाइवर्सिटी का स्कोप उतना नहीं है तो मेरे हिसाब से आई ए ए एस के बाद आई सी ए एस सिविल अकाउंट्स सिविल अकाउंट्स के बाद दो सर्विसेज हैं एक है डिफेंस एस्टेट्स और एक है डिफेंस अकाउंट सर्विस डिफेंस स्टेट्स में ये होता है कि जो छावनी क्षेत्र होते हैं उनका जो प्रबंधन है लैंड मैनेजमेंट है बेसिकली जो भारत में सारी लैंड और प्रॉपर्टी डिफेंस के पास है मिनिस्टर डिफेंस के पास है उसको बनाए रखना उस पर कब्जा ना हो जाए उसको छुड़वाना मैनेज करना कोर्ट केसेस को देखना और उसका प्रबंधन करना ये काम डिफेंस स्टेट सर्विस का है मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि डिफेंस वाले एरिया में छावनी क्षेत्र में जो आईएएस वाले काम होंगे वो जो व्यक्ति करेगा जो एस टाइप का जो काम करेगा वो व्यक्ति होगा डिफेंस स्टेट्स का व्यक्ति तो क्योंकि आपको पता है कि आई का भी लैंड रिवेन्यू वाला काम सबसे महत्वपूर्ण होता है तो यहाँ रिवेन्यू तो नहीं लेकिन लैंड मैनेजमेंट वाला काम इनके पास भी ठीक ठाक रहता है डिफेंस स्टेट्स और डिफेंस अकाउंट्स में कौन सी सर्विस अच्छी है कहना बड़ा मुश्किल है अगर आपको थोड़ा सा धाएँ धाएँ वाला नेचर है आपकी मन करता है थोड़ा सा एक्टिव रहें भागे यहाँ भागे वहाँ भागे वहां कब्जा हो गया भीड़ आ गई आंदोलन करना है पुलिस को लेके जाना है अगर ये सब रुचि है तो डिफेंस स्टेट्स अगर शांत रुचि है शांति से ऑफिस में बैठे हैं आठ दस लोग हैं बातें होती हैं और शाम को फिर घर पहुंच जाते टाइम पे तो डिफरेंस अकाउंट मैं इन दोनों में कह नहीं पाऊंगा कौन सी सर्विस अच्छी है आप इनमें से अपनी रुचि के हिसाब से प्रकृति के हिसाब से चुन लें मोर और लेस दोनों इक्वल जॉब से कोई बहुत अंतर नहीं आता है इसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है अब देखिए आप में से जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं या किसी यूटी के मान चंडीगढ़ से हैं या किसी और यूटी से हैं अब तो अगर आप आ, लद्दाख से हैं जम्मू कश्मीर से हैं तो भी आप यूटी वाले ही हो गए तो यूटी वालों के लिए एक बेहतर तरीका ये होता है कि इसके बाद फिर वो डानिक्स पे आ जाए डानिक्स है तो ग्रुप बी की सर्विस ग्रुप बी का मतलब हुआ कि जो आपके स्टेट में पी में एस बनते हैं उस लेवल की जॉब है लेकिन दिल्ली में रहना कुछ लोगों के लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है दिल्ली में रहने से एक दो फायदे होते हैं तो आप पावर स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं आपके जो वुड बी किड्स होंगे बच्चे होंगे उनको स्कूल अच्छा मिल जाएगा सुविधाएं अच्छी, अच्छी मिलेंगी यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी वो सब हो जाएगा हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं बेस्ट मिल जाती हैं ये तो फायदा है ही सबसे ही पॉल्यूशन फ्री मिलता है वो भी एक है तो इसलिए आप सोच लीजिए दिल्ली में रहना आपकी प्रेफरेंस है या नहीं जो डानिक्स वाले लोग हैं मोटे तौर पर तीस साल का करियर अगर मान लिया उनका मान लीजिए कोई तीस में हो गया सिलेक्ट तो तीस साल का तो है ही पैंतीस मान लीजिए पच्चीस साल में अगर सिलेक्ट हो जाए तो तो पैंतीस साल में से जनरली वो तीस साल दिल्ली में गुजार सकते हैं अगर वो चाहें तो पांच साल तो बाहर जाना पड़ता है एक बार तीन साल एक बार दो साल ये तो जनरल एक कन्वेंशन है ही जाना ही पड़ेगा तो ये लोग भी आमतौर पर क्या है कि करते हैं जॉर्निंग करते सबसे पहले दो साल बाहर चले जाते हैं दो तो निपटे बाकी तीन देखेंगे बाद में और उसमें भी एक ट्रेंड है कि एक इजी पोस्टिंग एक टफ पोस्टिंग इजी पोस्टिंग जैसे चंडीगढ़ हो गया इन सबको इजी पोस्टिंग मान लेते हैं टफ का मतलब होता है थोड़ा जैसे गोवा है इजी पोस्टिंग मानी जाती है टफ का मतलब तो सियानुमाने को भेज दिया लक्षद्वीप भेज दिया वो सब लेकिन वहाँ भी अगर दो साल रहना तो बुरा भी नहीं है ऐसा क्या है और आमतौर पर ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनकी शादी या तो भी हुई नहीं है या टूट चुकी है तो ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको ताकि वो अपने अकेले वहाँ पर रहे प्रशासन संभाले परिवार भी डिस्टर्ब ना हो तो जनरली ऐसे लोग एक मतलब परिवार वाले भी जाते हैं जिनको अच्छा लगता है ऐसे कई लोग हैं जिनको टापू पर रहना बड़ा अच्छा लगता है कि वो लक्षद्वीप में हैं शांति से हैं कोलाहल नहीं है एंजॉय करते हैं और इतना प्रशासन में चलता है प्रेफरेंसेस मतलब पूछ के रुचि देख के ट्रांसफर्स हो जाते हैं हमारी होम मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री उसमें एक आ, आई ए बैठते हैं जिनको बोलते हैं जे एस यू टी तो यू टी एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट सेक्रेटरी वो हैं तो उनके हाथ में सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि कौन सी यू टी में कौन से पद पर कौन सा अधिकारी जाने वाला है तो मतलब अधिकारी लोग वहाँ पर अपनी प्रेफरेंस देते हैं जनरली ऐसा होता है कि आपकी स्थितियों को देख के बात मान ली जाती है कोई बहुत रेयर बात नहीं होती तो दो सर्विसेज हैं डानिक्स और डानिप्स इनमें से कौन सी अच्छी है ये भी एक सवाल कई लोगों के मन में रहता है डानिक्स के फुल फॉर्म समझ रहे हैं ना दिल्ली एंड अनुमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज और यहाँ सी की जगह हो गया पी यानी कि पुलिस सर्विसेज देखिए दिल्ली में क्योंकि पुलिस का सिस्टम कमिश्नरी वाला है तो दिल्ली पुलिस के पास पावर्स ज्यादा रहती हैं जहां जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, है सुपरिनटेंडेंट सिस्टम के बदले वहाँ पावर्स तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होती है कुछ मामलों में जो एस है उससे आपको पूछना नहीं पड़ता है ये कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आती हैं जो सिविल मजिस्ट्रेट्स होते हैं ना जैसे यूपी में नोएडा में लखनऊ में जो सिविल मजिस्ट्रेट्स थे वो बेरोजगार हो गए हैं इस मामले में कि उनके पास एक, एक एक्स्ट्रा पावर थी जो पावर खत्म हो गई है अब पुलिस के पास ही वो मजिस्ट्रेट वाली पावर उस मामले में आ जाती है तो फिर मैं आपसे कहूंगा अगर आपकी नेचर है बही रजगुण वाली भागदौड़ मारपीट तो डानिप्स थोड़ी सी बेहतर सर्विस है लेकिन यदि आपको अच्छा लगता है प्रशासन कभी आप जल विभाग में हैं कभी रसद विभाग में हैं कभी शिक्षा विभाग में हैं अगर उस तरह का मन करता है ये छोटा आई है समझ लीजिए यूटी के अंडर का छोटा आई एस यानी जो पी सी अधिकारी है वो और अधिकार अच्छे खासी दिल्ली में भी ऐसा नहीं कोई कमी है अच्छे खासी अधिकार है तो डानिक्स डानिक्स उनके लिए जो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनको दिल्ली में रहना इस वजह से पसंद है कि फैमिली के आसपास रह पाएंगे या दिल्ली किसी और वजह से उनको रहने का मन है उनके लिए वो है जिनका ऐसा मन नहीं वो यहां से सीधे इधर आ जाएंगे अब इसके बाद जो सर्विसेज बचती हैं उनमें तो बहुत फर्क पड़ता नहीं आमतौर पर तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले ये नोट कर ले कि किन सबसे एंड में रखना है अब पीछे से चलना शुरू करते हैं और फिर बीच में चार पास बचेंगे उनमें हम थोड़ा बहुत टॉस करके डिसाइड कर लेंगे कौन सी ऊपर रखें कौन सी नीचे रख ले अगर आप दक्षिण भारत के नहीं हैं जो कि मुझे लग भी रहा है कि आप में से कोई दक्षिण भारत से नहीं है तो सबसे अंत में दो नौकरियां रखना एक है पाण्डिचेरी सिविल सर्विस और एक है पांडिचेरी पुलिस सर्विस दिल्ली और पांडिचेरी इन दो यूटीज के लिए प्रोविजन यह किया हुआ है कि उनका पीसीएस सिलेक्शन यूपीएससी से ही हो जाता है हो सकता है कि एक आप सर्वाज आपको जम्मू और लद्दाख के लिए ऐसी सर्विसेज यहां पर देखें जे एन एल पी एस जे एन एल सी एस या फिर उसको डायरेक्ट में ही मैनेज करेंगे देखिए क्या करते हैं इसी प्रकार से एक सर्विस है ए एफ एच क्यू आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विसेस इसमें क्या होता है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनके हेडक्वार्टर दिल्ली में है उसमें जो मैनेजरियल फंक्शन हैं वो काम करते हैं लोग तो जर्नलिस्ट सेक्शन ऑफिसर रैंक से जुड़ते हैं ग्रुप बी सर्विस है तीनों ग्रुप बी सर्विसेज हैं अगर आपको पुलिस में जाने का इतना शौक है कि मैं पुलिस में रहूँगा चाहे जहाँ भी रहूँ जीवन में तो आप पाण्डिचेरी पुलिस सर्विस कर सकते हैं इसमें आप पाण्डिचेरी के चार इलाके पता ही आपको नक्शे में कहाँ कहाँ पर हैं तो यनम माहे कराईकल और पाण्डिचेरी में पुलिस में जा सकते हैं उसमें दिक्कत है कि अगर आप यनम में गए तो आपको तेलुगु सीखनी पड़ेगी वहाँ सब तेलुगु बोल रहे हैं आप चले गए पौंडिचेरी में या कराईकल में वहां सब तमिल बोलते हैं और माहे में चले गए वहां सब मलयालम बोलते हैं तो एक ही कार्डर में एक ही सर से तीन भाषाओं का सुख आपको तो मिलने वाला है इसलिए वहाँ के लोग तो फिर भी पसंद करते हैं यहाँ का आदमी सोचता है कि यार एक नौकरी के लिए तीन भाषाएं कैसे मैनेज करूँगा तो मेरी सलाह तो नहीं है कि आप उसमें तो इन तीन को सबसे नीचे इनमें कॉम्पिटिशन है सबसे नीचे किसको रखा जाए तो मेरे ख्याल सब से सबसे नीचे आप रखिए ए को हाँ लेकिन अगर आपको दिल्ली में रहना हो इस सर्विस में आप जीवन भर दिल्ली में रह सकते हैं पूरी जिंदगी दिल्ली में रह सकते हैं तो दिल्ली में रहना प्रेफरेंस है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और अगर आपकी प्रेफरेंस है कि नहीं मैं थोड़ा एस डी एम बनूंगा पुलिस में जाऊंगा तो इनको थोड़ा सा इसके बदले ऊपर रख लीजिए तो ये तीन सर्विस तो आमतौर पर नीचे रखनी है इसके अलावा एक है पी एन टी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस देख ली है इस पर है ना वो सर्विस भी उस सर्विस का भविष्य भी ऐसा माना जा रहा है कि बहुत लंबा है नहीं तो लोग उसको बहुत अच्छा मानने से बच रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसको भी आप जितना नीचे रखें उतना बेहतर क्योंकि मेरे ख्याल से दो चार पाँच साल में इस सर्विस का मर्जर किसी सर्विस में हो जाएगा और जब जब मर्जर होता है तो मतलब दाँव पे होता है सब कुछ कि आपका भविष्य क्या होगा आपको पता नहीं आपका रैंक वही रहेगा लेकिन जब कई सर्विसे मर्ज होती हैं तो फिर तुलनात्मक रूप से जो वंचन की भावना है वो एक बार बढ़ने लगती है ठीक है अगला सवाल है कि रेलवे का हम क्या करें इस बार जो रेलवे है देखो रेलवे की जो सर्विसेज हैं यूपीएससी के थ्रू चार सर्विसेज आती हैं ठीक है ठीके? और वैसे आठ सर्विसेज को मर्ज किए है कुछ इंजीनियरिंग से आती हैं कुछ यहां से आती हैं एक सर्विस का नाम है आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस एक है आई अकाउंट्स एक है आई आर पर्सनल सर्विस यानी कि जो एचआर वाला काम है वो सारा और चौथी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे के अंदर का आईपीएस पी होता है उसको बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसके पास तो जो चलती हुई ट्रेन से उनके अंदर की पूरी सिक्योरिटी का जो काम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देखती है जो पुलिस के लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास वाली काम उसको जी बोल देते हैं वो एक अलग रंग है जिसमें आईपीएस के कुछ अधिकारियों को वो काम दिया जाता है हर राज्य में वो सभालते हैं देखो बहुत खतरा आने वाला है इन सर्विसेज पे ये सब मर्ज होके अब क्या बन रही है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज कुछ लोग इस बात से कह रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे स्पेशलाइजेशन है कैसे मैनेज करेंगे सब कहने की बातें हैं ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें वो तो करेंगे ये कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को इंटरनली कुछ विंग्स में बांट देंगे जैसे कल को हो सकता है आई आर एम एस टी आई आर एम एस ए की रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का ही आदमी है पर इसका काम बेसिकली अकाउंट का काम है और ये अकाउंट का स्पेशलाइज व्यक्ति है टी में कौन होगा जो टेक्निकल बैकग्राउंड का है अभी क्या होता है कि जैसे आई आर टी एस में टेक्निकल बैकग्राउंड का विशेष फायदा मिलता है आई आर ए एस में जिसने अकाउंट सीखा हो अभी तो यूपीएससी में क्या होता सिविल है सिविल अकाउंट्स है ऑडिट अकाउंट्स है उसमें नाइन्टी परसेंट लोग वो जा रहे थे जिनको अकाउंट्स का पता ही नहीं होता कुछ भी जिन्होंने अपना महीने का अकाउंट आज से भी बनाया वो का अकाउंट बनाते हैं उसके बाद उनको ट्रेनिंग में अकाउंट सिखाया जाता है एक पॉइंट यह था कि जिसने अकाउंट पहले से सीखा हुआ है कोई चार्ट अकाउंटेंट है अगर उसको इस सर्विस में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा तो आजकल ये मांग उठ रही है कि अकाउंट सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन हो ये कम से कम कोई ब्रिज कोर्स हो कि आप वो वाला कोर्स करके आएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं उस सर्विस के लिए और हो सकता है निकट भविष्य में ऐसा कुछ हो भी जाए इसी प्रकार से पर्सनल वाला काम है वो ह्यूमैनिटीज़ के लोग साइकोलॉजी वाले आराम से कर लेते हैं प्रोटेक्शन फोर्स हो पुलिस हो गई तो आई आर एम एस बनने के बाद हो सकता है कि उसके अंदर इंटरनल डिविजन करने पड़े फायदा केवल ये होगा कि रेलवे बोर्ड में क्या होता है हर सर्विस से एक एक आदमी को बिठा देते हैं और वहाँ इतना क्लैश चलता है सारे सर्विसेज का कि मैं इस सर्विस का हूँ वो इस सर्विस का है उससे इंटरनल कोऑर्डिनेशन जो रेलवे का है बिगड़ता है तो मेरे ख्याल से सरकार चाह ही रही है कि उन सभी अधिकारियों को उसी रैंक पर रखते हुए उन सबके सर्विस का नाम एक कर देंगे जब नाम एक ही हो जाएगा तो उनके पास कम से कम ये ऑप्शन रहेगा कि यदि एक सर्विस में पाँच से बढ़िया लोग हैं एक सर्विस में उस रैंक पर संयोग से एक ही अच्छा व्यक्ति है तो ये बराबरी करने की जो बाध्यता है वो खत्म हो और जितने भी अच्छे लोग हैं उनको प्रमोट करके बड़े पदों पर पहुंचा सके मेरे ख्याल से होने वाला ये है और ये आई आर एम एस का सिलेक्शन अगली बार से सिविल सर्वेंट के रूप में होगा या नहीं होगा इस पर तो भी डाउट है अभी रेलवे ने कह दिया यूपीएससी से कि भाई अफमारा अभी मत निकालना और चांसेस हैं कि यूपीएससी ही अगले साल से एक और एग्जाम कंडक्ट करे जो रेलवे का अलग से हो तीन साढ़े तीन सौ नौकरियाँ उसमें आ जाए तो सवाल है कि जो आखिरी साल है जब चॉइस आपके पास है आप उसको भरे या ना भरे थोड़ी अनिश्चितता है लेकिन मेरे ख्याल से आई ए एस सी एस डी एस कुछ लोग डानिक्स के बाद जिनको दिल्ली में रहने का मन करता है उसके बाद अभी भी बेहतर है कि आप रेलवे के सर्विसेज़ को प्रेफर करें क्योंकि तो रेलवे में कितना भी कुछ होगा तो बाकी सर्विसेज से बेहतर तो रहेगी रहेगी हाँ ये है कि आईआरटीएस में जो लोग हैं उनको ये फीलिंग आएगी कि हम अब तक रेलवे की आठ सर्विसेज में आईआरटीएस टॉप पर रहते थे उसके बॉस हुआ करते थे अब वो सब मर्ज हो गए ही हो गया तो आईआरटीएस को ऐसा लगेगा कि मेरी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो गई इंटरनल सिचुएशन बाहर वालों से नहीं इंटरनल कमज़ोर हो गई नंबर दो पे जो सर्विस रहती थी आमतौर पे वो आई आर ए एस के लोग भी काफ़ी खुश रहते थे जो सिविल सर्विस से जाते हैं ना आमतौर तो पर उनका क्रेज थोड़ा ज्यादा रहता था वहां पर अब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग वाले भी सिविल वाले भी ये सब एक हो गए तो उन लोगों को यह संतोष रहेगा कि जो स्टेटस पहले था वो अब नहीं है लेकिन जो बाद में जाएंगे उन्हें इससे क्या खास फर्क पड़ना है तो ये आखिरी साल है सिविल सर्विस के थ्रू आप इसमें जाए जो भी होगा भविष्य में आने वालों की तुलना में एक साल सीनियर तो आप रहेंगे ना भाई उसका फायदा उठाएंगे ही और यदि इनमें तुलना करनी हो तो मेरे ख्याल से नंबर एक पर आई आर टी एस ये तो सबसे शानदार जॉब मानी जाती है मेरे ख्याल से सिक्वेंसिंग ठीक ही लिखी हुई है नंबर दो पर आई आर ए एस कर लीजिए अकाउंट्स पर्सनल में थोड़ा तनाव ज्यादा रहता है उसमें ट्रेड यूनियन और वो सब ये संभालना प्रमोशन ट्रांसफर छोटे लेवल पर सिलेक्शंस करना वो सब काम होता है मज़ा भी आता है कि आप बहुत सारे नौकरियों में सिलेक्शन आप करने वाले हैं पर वो एक बार मजा आता है उसके बाद फिर तनाव रहता है उसके बाद जीवन भर एक बार का सुख है वो आरपीएफ यदि आपको बहुत शौक है नेचर है पुलिस टाइप की तो आरपीएफ को ऊपर रख सकते हैं नहीं तो आरपीएफ को नंबर चार पर रखिए हाँ मतलब मैं ऐसे एक बच्चे को जानता हूँ अब तो वो सिलेक्ट हो गया आपने से कोई वैसा हो तो देख लीजिएगा जब मैंने उसका मॉक इंटरव्यू लिया उसने केवल चार या पांच प्रेफरेंस भरी हुई थी नंबर एक पर आईपीएस नंबर दो तो नंबर तीन आरपीएफ नंबर चार पौंडीचेरी पुलिस सर्विस बस चार ही प्रेफरेंस वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और तो हरियाणा का रहने वाला है तो उससे हमने मौक में पूछा कि भाई आपने चार ही प्रेफरेंस क्यों भरी है उसका सिंपल पॉइंट था कि मुझे कुछ और नौकरी करनी ही नहीं है हमने कहा आई एस बोले करनी नहीं आई एस मुझे पुलिस में ही जाना है हमने कहा मान लो चारों जॉब नहीं मिल पाई तो बोले सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा कांस्टेबल बन जाऊंगा रहूंगा पुलिस में ही ऐसे लोगों की बात अलग होती है उसका इंटरव्यू यूपीएससी में शायद दस बारह मिनट ही चला क्योंकि उससे हर प्रश्न का एक ही उत्तर होता था पुलिस में जाना है जितने सवाल पूछो एक ही आंसर पुलिस में जाना है तो इंटरव्यू पैनल समझ गया कि इस व्यक्ति का जन्म पुलिस के लिए ही हुआ है तो उसको उतने नंबर दे दिए कि वो पुलिस में चला गया एक बहुत अच्छे पद पर कार्यरत है और उसने साबित कर दिया कि पुलिस के लिए ही बना था अगर आप में से कोई उस नेचर का व्यक्ति तो आर नंबर वन पे और नहीं तो आर नंबर चार पे ठीक है अब कौन सी पांच सर्विसेज बची उनको एक बार लिख के उसमें रैंकिंग कर लेते हैं ताकि आप बताइए कौन कौन सी सर्विस बची ऊपर नीचे लिखते हुए चलते हैं उन सबको रुकी रुकी रुकिए एक आप कह रहे इंडियन ट्रेड सर्विस इसको यहां लिख लेते हैं तब मैं ऊपर नीचे लिखूंगा उससे आप जाइए कि इसका रैंक कहां रखना चाहिए देखिए ट्रेड सर्विस तो बढ़िया है आपको मुंबई में रहने का खूब मौका मिलेगा जहाँ जहाँ व्यापार के केंद्र हैं बड़े वहाँ रहने का मौका मिलता है और जिन लोगों का सिविल सेवा में आने का उद्देश्य होता है कि वो थोड़ा बहुत बोरी भर भर के पैसा कमा लें तो ऐसे लोगों को भी यह सर्विस ठीक लगती है क्योंकि इसमें ट्रेड सेक्टर में रहने का मौका मिलता है और ऐसी चीज़ें होती हैं फिर एक दिन सी आती है फिर जेल ले जाती है तो कुल मिला के करियर ऐसा होता है जेल में जाके ख़त्म होता है भगवान कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे वहाँ करियर ख़त्म होता है तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब वजहों से मत चूज़ कीजिएगा सर्विस कोई भी लेकिन हाँ आई ठीक सर्विस है अगर आप आई आई एस पूछेंगे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस तो मेरे ख्याल से इसको नीचे रखिए एक जमाने में इसका बड़ा रसूख था जब तक मीडिया के नाम पर केवल दूरदर्शन हुआ करता था और आकाशवाणी तब तक ये था कि पूरा भारत का मीडिया जिस सर्विस के कंट्रोल में था वो आई आई एस थी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं अब तो वेब सीरीज आ गई है जिस पर कोई पूछता ही नहीं किसी से सेंसर बोर्ड से ही नहीं पूछते हैं तो इनसे क्या पूछेंगे अब आई आई, आई, आई वाले क्या करते हैं उनके पास दूरदर्शन है आकाशवाणी है और उनके पास योजना है कुरुक्षेत्र है आजकल है बस लोग नहीं है ऑडियंस नहीं है बाकी सब है तो आजकल यही इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सर्विस कहाँ पर है इसका नाम है इंफॉर्मेशन सर्विस ठीक है हैं? काफी घूमना तो आजकल सिविल सेवा में कौन सी बड़ी बात है मैंने तो आपको सर्विस इसलिए मत चुनना कि विदेश जाने का मौका मिलेगा वो तो मिल ही जाता है विदेश जाना आजकल तो आजकल तो विदेश जाना वैसे भी इतना सस्ता हो गया है और दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट महंगी है श्रीलंका की सस्ती फ्लाइट है तो आप आराम से श्रीलंका जाएँ घूम के आ जाएँ सस्ता पड़ता है चेन्नई जाना महंगा पड़ता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है तो विदेश भ्रमण तो आजकल छोटी सी बात है वो हर सर्विस से मिल जाएगा हाँ इन्फॉर्मेशन में शायद थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा क्योंकि ये पीएम के साथ लग जाते होंगे कि पीएम जा रहे हैं साथ में लग गए और जहां जा गए वहां वहां घूम लिए ये बेनिफिट है और बताएं और कौन सा सर्विस कॉरपोरेट लॉ सर्विस को मैं रखना चाहूंगा आई के बाद आई आई से ऊपर बस इस सर्विस में वही लोग जाएं जिनका लीगल एप्टीट्यूड ठीक है इसमें लीगल फंक्शंस बहुत सारे होते हैं जो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके बहुत सारे लीगल फंक्शंस को तो मैनेज करने का काम इस सर्विस के पास होता है तो लॉ किया है तो अच्छी बात है नहीं किया है और आपका मतलब एप्टीट्यूड अगर वैसा है तो ठीक है मेरा अनुमान तो है कि मोदी जी अगर आठ साल रह गए तो ये भी आगे चल के स्पेशलाइज सर्विस हो जाएगी व्यावहारिक तौर पे आप भी सोचिए ना कि लीगल काम करने वाले सर्विस में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको लीगल बैकग्राउंड नहीं है ये कुल मिला बहुत अच्छी स्थिति है कमज़ोर स्थिति है कमज़ोर है हम तो अपना हित सोच के बोलते कि नहीं नहीं हमें मिलनी चाहिए अलग बात है लेकिन सिस्टम के लिए ज्यादा अच्छा है कि लीगल काम करने के लिए लीगल बैकग्राउंड का व्यक्ति हो जैसे पीसीएस में देखा यूपी वगैरह में उसमें कुछ सर्विसेज के लिए ना स्पेशल कंडीशंस लगाते हैं कि इस नौकरी के लिए यह बैकग्राउंड होनी जरूरी है हो सकता है कि यूपीएससी आगे चल के ये बात सीखे और कुछ सर्विसेज के लिए स्पेशलिस्ट कंडीशन लगाए तो होगा अभी के लिए आप इसको यहां रखिए और एक दो और बच्ची उनकी बताइए कौन सी है पोस्टल को कंपटीशन है इन्फॉर्मेशन पोस्टल में पीछे किसको रखा जाए आप इसको पीछे रखिए इसमें एक अच्छी बात है किसी फुल फॉर्म जो भी हो लेकिन शॉर्ट फॉर्म आई बनती है तो शादी के टाइम पे आप आई बोल के किसी को मतलब प्रभावित कर सकते हैं लेकिन जब पता लगता है उससे बड़ी दिक्कत आती है तो पूरे ज़िले की चिट्ठियाँ आपके पास आती हैं तो आप ये सोचे खुश हो सकते हैं पूरा ज़िले की चिट्ठियाँ मेरे पास है फिर पूरे राज्य की चिट्ठियाँ मेरे पास है फिर से क्या होता है लेकिन खुश हो जाइए तो पोस्टल सर्विस में आज के लिए कि नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जैसे पोस्ट ऑफिस आजकल पैसे का लेन ले भी करते हैं और अभी पोस्टल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि उनके पास जो नेटवर्क है ना वैसा किसी के पास नहीं एक एक गांव के अंदर तक उनके आदमी जाते हैं जो पोस्टमैन है और पोस्टमैन केवल नौकरी नहीं करता वो सांस्कृतिक व्यक्ति होता है गांव में क्योंकि तो निरक्षर लोगों को पढ़ के सुनाता भी है एक एक परिवार में क्या चल रहा है किसका बेटा कहाँ है उसने क्या कर दिया सब उसी को पता होता है तो पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ ऐसी स्कीम से काम कर रहा है कि वो अगर फिनेंस मार्केट से जुड़े जाते हैं स्टॉक से जुड़ते हैं और उनके पोस्टमैन अगर एजेंट्स बनकर के, के घर में जाते हैं तो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार जैसा कुछ हो सकता है पर जब होगा तब तो होगा अभी के लिए पोस्टल सर्विस से बहुत दम नहीं है उसको पीछे रखिए अगर आपकी बहुत इच्छा होती है तो मैं किसी की भी चिट्ठी पढ़ सकूँ ऐसी इच्छा तो नहीं होती आपकी किसी की चिट्ठी लिखता भी कौन है आजकल जैसी चिट्ठी पढ़ना चाह रहे हो वो तो ई मेल कर रहे हैं आजकल वैसे भी तो फिर क्या फ़ायदा छोड़िए तो पोस्टल सर्विस को नीचे रखिए और बताइए हो गया सारी हो भाई एक और है कौन सी बताओ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बहुत दम नहीं है बहुत दम नहीं है मेरे ख्याल से आप इन दोनों के बीच में रख लीजिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब हुआ जो आयुष कारखाने हैं जो भारत सरकार के हथियार गोला बारूद बनाने कार के कारखाने हैं उन फैक्ट्रीज़ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लोग संभालते हैं इसमें आई के लोग भी जाते हैं जो बनाते हैं बंदूक बंदूक वो होते हैं आई के बैकग्राउंड के लोग और जो संभालते हैं सिस्टम पूरा का पूरा वो होते हैं सिविल सर्विसेज के लोग बहुत दमनी है एक किसी फैक्ट्री के इलाके में आपको रहना है वहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहा है तो बहुत दमनी है छोड़िए उसको तो

रेलवे पहले जाता ही था ऑडिट अकाउंट से पहले तो नहीं मतलब आमतौर तो पर क्या ट्रेंड था कि आई आर एस आई टी जी एस टी के बाद या तो आई ए एस या आई आर टी एस ये ट्रेंड था पहले रेलवे की एक सर्विस के बाद बाकी तीन बाद में आती थी अब भविष्य को देखते हुए ये तय है कि आई आर टी एस का स्टेटस वो तो नहीं रहेगा जो पहले था नुकसान आई आर टी एस को ही ज्यादा होगा क्योंकि जब मर्ज होंगे तो फायदे वाला नीचे आएगा थोड़ा सा तो मेरी सलाह है कि आई ए एस तो ऊपर आना ही चाहिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सिविल अकाउंट्स अब रेलवे के सर्विसेज से बेहतर हो सकता है देखो रेलवे का एक क्रेज इसलिए भी था कि एक जमाने में रेलवे ही यात्रा का मूल साधन था और रेलवे के सर्विसेज के लोगों को बड़ा सुख यह था कि उनको ना शुरू में एक मेडल पास मिल जाता है जिस पे लिखा होता था फ्रॉम एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन आप कहीं से कहीं जाइए किसी ट्रेन में घुस गए जो सबसे बढ़िया सीट्स मिलेंगी आपको मिल जाएंगी आप बैठिए यात्रा कीजिए ये सब क्रेज़ था अब कौन जाता है ट्रेन से आजकल तो आप जब ट्रेनिंग में भी जाएंगे आपको हर जगह फ्लाइट से ले जाएंगे मुझे नहीं पता रेलवे वाले क्या करते हैं उनका नैतिक धर्म है कि रेलवे से ही लेके जाएं लेकिन मेरे ख्याल से वही फ्लाइट से लेके जाते हैं टाइम बहुत बचता है ना भाई आप दो घंटे में दिल्ली से या तीन घंटे में चेन्नई पहुंच गए सबसे अच्छी ट्रेन में बैठे छप्पन घंटे में चेन्नई पहुँचे तो कौन तीन घंटे और छप्पन घंटे में तुलना करेगा तो जब फ्लाइट्स इतनी इजीली अवेलेबल हैं और लगभग हर मध्यम स्तर के शहर तक पहुंच ही गई हैं तो अब रेलवे का वो क्रेज नहीं है जो इस वजह से था तो सर आई को तो ऊपर तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि आई ए ए एस के बाद सिविल अकाउंट्स डिफेंस अकाउंट्स डिफेंस अस्टेट्स उसके बाद रेलवे के सर्विस को ले ऐसा कर सकते हैं ये हमेशा ध्यान रखना एक सेकंड हमेशा ध्यान रखना कि मैं अपनी राय बता रहा हूँ कल को आप सर्विस पर जाएँ आपको लगे थोड़ा सा ऊँच नीच हो गया तो गाड़ी जैसे वापस बताना मेरे पास मैं अपनी राय बता रहा हूँ मतलब अगर मैं होता तो मैं ऐसे भरता पर भर आप रहे हैं आप है ध्यान रखना इस बात पर हाँ रविटी जी नहीं नहीं उस पर ध्यान रखना कि जो बड़े केसेस हैं आमतौर तो पर एक करोड़ से ऊपर के जितने एक्सेसिस हैं वो मेजरली मिल रहे हैं सेंटर को जो सेंट्रल स्टेट का डिवीज़न है जो व्यवहारिक डिवीज़न हमने देखा है अब तक वो ये है कि जो भी छोटी एंटिटी आती है वो स्टेट को मिलती है जो बड़ी एंटिटी है वो सेंटर को मिल जाती है और इसलिए जीएसटी एस में आने के बाद लगभग उतनी पावर्स पहले भी हैं तो पहले उसमें क्या था कस्टम एक्साइज था वो दोनों चीज़ें भी, भी हैं तो इतना ही है कि सेंटर और स्टेट के जी ऑफिसर्स में कुछ कुछ मामलों में जुड़ना पड़ता है हल्के फुलके क्लैश हैं लेकिन अब बड़ा सिस्टम बन गया है एक वो ऐसा सिस्टम है कि जब भी कोई नया वेंचर शुरू होगा किसी भी स्टेट में सबसे पहले फैसला होता है कि वो सेंटर का है या स्टेट का है वो लॉटरी होती है लॉटरी कैसी होती है मुझे नहीं पता लेकिन परिणाम ये आता है कि जो बड़े वेंचर हैं स्टेट के पास सेंटर के पास चले जाते हैं छोटे स्टेट के पास तो जैसे ही वो सेंटर का हो गया इसका मतलब स्टेट में काम करने में भी एस जी के मामले में भी जब उससे बात होगी कोई बात होगी तो उससे बात सेंटर वाले ही करेंगे स्टेट वाले नहीं करेंगे तो ऐसा लग रहा था शुरू में कि क्लैशिज़ बहुत होंगे लेकिन है नहीं जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं इलाहाबाद में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में दो सरकारें हैं केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो फिर केंद्र सरकार और यूपी की सरकार है पर हमारे जीएसटी नंबर यहाँ और वहाँ दोनों जो हैं वो सेंटर को अलॉटेड है और तो इसका मतलब स्टेट का जीएसटी ऑफिसर ना दिल्ली में ना इलाहाबाद में हमसे कुछ पूछताछ करेगा ना इंक्वायरी करेगा ना सर्वे करेगा ना कुछ रिव्यू दोनों मामलों में सेंटर के ही करेंगे तो वो तनाव था बीच में ऐसा तनाव है नहीं और जीएसटी तो जिस तरह से बढ़ेगा आगे चलकर बढ़ेंगे ही कम नहीं होंगे। हाँ आई के नीचे क्योंकि डायरेक्ट टैक्सिस का महत्व तो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में तो आई का महत्व तो है और कॉरपोरेट टैक्स भी होने के बाद कुछ क्लियर एकदम पक्का तो खत्म करे पहला चैप्टर अब दूसरे पर आ जाइए जिसको बोलते हैं जोनल प्रेफरेंसेस वाला आपका कार्डर कौन सा होगा ये सिस्टम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है जिनको ये सिस्टम बिल्कुल आइडिया ना हो एक वीडियो मेरा उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर देखा आप लोगों ने कि न्यू कार्डर पॉलिसी क्या है तो उसको आप एक बार आइडिया लेने के लिए समझ सकते हैं लेकिन मैंने उस वीडियो के समय कहा था कि इसमें कुछ ऐसे वाक्य हैं ये है भारत सरकार का नोटिफिकेशन मैं फिर से लेके आ गया हूँ जिसमें इन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं तो मैंने पहली बार जब इस पर एक वीडियो बनाया था मैंने तब भी ये कहा था कि इसमें कुछ बातें ऐसी जो समय के साथ ही स्पष्ट होंगी अब जो क्लैरिटी बन गई है उसमें यह है कि आप किसी जोन को और किसी स्टेट को छोड़ेंगे तो आप नुकसान में जा सकते हैं हालांकि पिछले साल की दो केसेस में ऐसा हुआ है कि वो नुकसान की भरपाई हुई है कुछ मामलों में लेकिन सेफ ये है कि आप जोन या स्टेट छोड़े नहीं क्योंकि ऊट किस कर बैठेगा कहना मुश्किल है तो कुल मिला के पांच जोन हैं और इस बार उन्होंने जम्मू कश्मीर को हटा दिया है तो ये मान के चलिए कि वो जैसा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा भी हुआ था कि इस सर्विस में जितने आई एस या आई हैं उन्हें यूटी कार्डर में ही डालेंगे आगमु में ही डाल देंगे तो जम्मू का मतलब कश्मीर भी उसके अंदर एसिमिलेट हो गए हल्का हल्का ध्यान कर लें जोन वन कौन सा वाला है? जिसमें आगमु और हरियाणा वगैरह है जोन टू यूपी वाला जिसमें यूपी बिहार थ्री हो गया गुजरात महाराष्ट्र जोन फोर है सबसे मतलब महत्वपूर्ण जोन जो है जिसमें आप उत्तर भारत के लोगों के लिए सबसे डरावना जोन यही है उसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आप शायद ना जाना चाहें हाँ लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके लिए सबसे शानदार जोन यही है ये तो अपनी चॉइस का मामला है इसी नॉर्थ ईस्ट वाले से पूछो भाई सेकंड जोन में जाना चाहोगे तो अगर नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा तो सीधी सी बात है वो तो चॉइस का मामला ना आप कहाँ के रहने वाले हैं और जोन फाइव है साउथ इंडिया वाला जिसमें तेलंगाना है आंध्र प्रदेश है कर्नाटक है केरल है तमिलनाडु है ठीक है तो सबसे पहली बात है कि जोन की प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए तो सब बड़ा सिंपल्स है आपका होम स्टेट जिस भी जोन में है वो आमतौर पर पहली चॉइस होनी चाहिए मेरे ख्याल से आप में से लगभग सब लोगों की इस मामले में चॉइस होगी पहली या दूसरी होगी क्योंकि पहले वाले में राजस्थान भी आता है पंजाब से तो आपने को होगा नहीं शायद हिमाचल उत्तराखंड भी आता है उसमें शायद कुछ लोग हों थर्ड वाले में क्या है गुजरात महाराष्ट्र है एम है और छत्तीसगढ़ है तीसरे में यूपी बिहार है झारखंड है और उड़ीसा है ना हाँ। तो आप में से कितने लोगों का फर्स्ट चॉइस बन रही है सेकंड वाला यानी यूपी बिहार झारखंड ज्यादातर लोग वहीं से हैं ना बहुत बढ़िया और आप में से कितने लोग एमपी छत्तीसगढ़ से हैं हाँ गुजरात महाराष्ट्र कोई है नहीं और ऐसे कितने लोग हैं जो हरियाणा राजस्थान से हैं ये भी ठीक ठाक संख्या है कुछ लोगों ने दो जगह खड़ा किया क्या <laughs> <laughs> तो नंबर वन तो ये रखना है तो मैं एक उत्तर भारत के व्यक्ति के हिसाब से क्योंकि आप लोग जनरली उत्तर भारत से हैं तो नंबर वन पे तो अब जैसे अगर मुझे रखना होता क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ या दिल्ली से हूँ तो मैं नंबर वन पे ये रखता ठीक है अपने नंबर वन चेंज कर लीजिएगा जैसा भी होगा अगर कोई मुझसे पूछे कि नंबर दो पे क्या रखना है चाहिए तो मैं देखो दो तर्क होते हैं एक तर्क ये होता है कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ की भाषा मुझे समझ में आती है मैं वहाँ अपनी भाषा में बात कर सकूँ ताकि ये चुनौती ना हो कि मैं बोल ही नहीं पा रहा समझ नहीं पा रहा हूँ बात को सीख लेंगे भाषा लेकिन तब भी कई साल लगते हैं उस सहजता को लाने में जो सहजता एक अच्छे प्रशासक के लिए अपेक्षित होती है दूसरा होता है कि आप उस स्टेट की जो वर्क कल्चर है उस प्रशासन की संस्कृति कैसी है उसको ध्यान रखें अधिकार कितने मिलेंगे सुविधाएं कितनी मिलेंगे काम करने का मौका कितना मिलेगा वो ध्यान रखें मेरे ख्याल से अगर मुझे भरना हो तो मैं शायद नंबर दो पर इसको रखना पसंद करता नंबर तीन पर इसको रखना पसंद करता नंबर चार पर मैं दक्षिण भारत जाना पसंद करता नंबर पांच पर मैं नॉर्थ ईस्ट या पश्चिम बंगाल जाना पसंद करता अब ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी भरेंगे तो पूछने वाले पूछ सकते हैं कि इसको सबसे अंत में क्यों रखा है आपने इसका सिंपल उत्तर ये है कि, कि, कि किसी न किसी को अंत में रखना ही था ऐसा कैसे कर सकते हैं कोई अंत में ना आए जब लिस्ट बनाएंगे तो अंत में कोई तो आएगा ही आएगा बोला मुझे दिक्कत नहीं है वहां जाने में मेरे पूरा भारत बराबर है कहीं मुझे भेज दीजिए पर अगर आप पूछेंगे प्रेफरेंस क्या है तो मैंने बताया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ काम करना चाहूँगा नहीं तो यहाँ नहीं तो यहाँ और तो जो अंत वाला है मैं वहाँ भी काम करना चाहता हूँ ये केवल प्रेफरेंस का मसला है कोई भेदभाव का मसला नहीं है और ज़्यादा पूछे बोला क्योंकि मेरा परिचय नहीं है मुझे बहुत पता नहीं है तो अपरिचय का एक भय होता है कि वो समाज कैसा होगा मैं कितना एडजस्ट हो पाऊँगा ये हल्का सा भय है लेकिन जब आ ही जाएगा उसमें तो ठीक है जाएंगे सीखेंगे कल्चर को अपनाएंगे क्या दिक्कत है ये तो ही पहली बात अब दूसरी बात है कि आपको ये पता ना कि आपका होम स्टेट या होम क्वार्टर तभी एप्लीकेबल होगा जब वो वन वन हो जोन भी वन हो और स्टेट चॉइस भी नंबर वन पे हो अगर आपने इसमें ज़रा भी दाय कर दिया उसके बाद होम क्वार्टर मिलेगा ही नहीं ये भी ध्यान रखिए जो रूल कह रहा है मान लीजिए कल्पना कीजिए कि मेरा होम स्टेट हरियाणा है और मैंने हरियाणा को नंबर एक पर नहीं भरा मतलब या तो इसको वन पे नहीं भरा जोन को या जोन को वन पे भरने के बाद भी उसको नंबर एक पे नहीं भरा मान लीजिए और उसके बाद जब कार्डर सिलेक्शन हुआ सारे कार्डर बटने के बाद अंत में मेरे पास जो आ रहा है हरियाणा ही आ रहा है मान लीजिए तो नियम पता क्या है इसमें लिखा है साफ साफ तो भी नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे अगर मुझे हरियाणा मिल रहा है तो मुझसे एकदम ऊपर वाला जो व्यक्ति होगा उसको हरियाणा दे देंगे उसके बारे मुझे दे देंगे ये गारंटी के रूप में है कि जिसने अपने होम स्टेट को वन वन के रूप में नहीं रखा है उसे होम स्टेट बिल्कुल नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए होम स्टेट तो शादी ब्याह से भी नहीं मिलता पता आपको बाकी कोई भी स्टेट मिल जाएगा होम स्टेट नहीं मिलेगा यहां तक कि मान लो कि लड़का है गुजरात का लड़की है महाराष्ट्र की लड़का गुजरात का है किंतु महाराष्ट्र का ऑर्डर में है लड़की महाराष्ट्र की है किंतु गुजरात का ऑर्डर में है अब क्या करें उसकी व्यवस्था है दोनों को तीसरा मिलेगा उसकी व्यवस्था भी है <laughs> किसी भी स्थिति में विवाह के भरोसे होम क्वार्टर नहीं मिल सकता ये तो सिस्टम क्लियर है एकदम ठीक है एक ही तरीका बचता है वो डेपुटेशन है उसके लिए चाहिए बहुत तगड़ा जुगाड़ <laughs> अगर जुगाड़ आपके पास है दोनों राज्यों में तो होम क्वार्टर में जाइए पांच सात साल पहले पांच साल साथ सात साल तक का है डेपुटेशन पर जाइए वहाँ कलेक्टर बनी कोई दिक्कत नहीं पर सात साल फिर वापस वहीं अंडमान जिसको आप अंडमान समझ भागना चाह रहे है। जाना तो वहीं पड़ेगा क्योंकि कुंडली में वही निकला है आपके ठीक है तो अब होम सेट आपको पता ही है अब मैं केवल इतना करता हूं कि हर सेट में मेरे हिसाब से इंटरनल प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपको बता देता हूँ ऐसे पहले वाला है देखो पहले वाले में होम वाला छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ पुलिस के लिए तो एक सेंस में देखिए अगर आपको घूमने फिरने का शौक है और होम स्टेट मिलने की संभावना मान के चलिए कि वो नहीं के बराबर होती है बहुत मुश्किल है कहने को है कि एक तिहाई सीटें होम स्टेट की होती है होम कार्ड की होती है ठीक बात है लेकिन क्या होता है कि जो सबसे ऊपर के कुछ रैंक्स हैं होम स्टेट प्राय है, उन्हीं को मिल पाता है क्योंकि होम स्टेट सब भरते हैं और उसमें यह भी है कि आप जिस लिस्ट में हैं जैसे आप कहें कि राजस्थान में मैं आईपीएस में जनरल कैटेगरी में हूं और होम क्वार्टर चाहता हूं। हो सकता है कि राजस्थान में आईपीएस की कुल जो वैकेंसी इस बार हैं उनमें से एक ही वैकेंसी जनरल की है और वो वैकेंसी आउटसाइडर की है इतना पेच है उसमें कि वैकेंसी जनरल की भी हो इनसाइडर की भी हो तब आप एलिजिबल हैं और ऐसी एक ही वैकेंसी है और आपसे ऊपर एक व्यक्ति राजस्थान का आया गलती से तो उसको मिल गया तो ज्यादा समझदारी यह है कि मान के चलिए कि स्टेट नहीं मिलेगा ठीक मिल जाए तो समझे कि भगवान ने छप्पर फाड़ के आपको दिया है मान के चलना है कि स्टेट नहीं मिलेगा किसी किसी को तुक्के से मिल जाता है नीचे के रैंक पर भी स्पेशली उन राज्यों में जहां आई एस आई बहुत कम लोग एग्जाम दे रहे हैं वहां चांस रहता है और आप जिन राज्यों से हैं वहाँ का सबसे बड़ी राष्ट्रीय रुचि क्या है ये से एग्जाम देने की रुचि है इसलिए वहाँ पर तो ये स्कोप भी नहीं रहता <laughs> अगर आप सिक्किम से होते हैं, मान लीजिए नागालैंड से होते तो होम स्टे मिलने का बहुत चांस रहता पर ऐसे मतलब चांस अगर वैकेंसी हो तो वैकेंसी नहीं हो तो बात ये अलग होगी तो हम क्या मान के चलेंगे कि होम कैडर नहीं मिलेगा ठीक है शादी से भी नहीं मिलेगा एक ही तरीका है डेपुटेशन उसमें कुछ खास नहीं केवल दोनों मुख्यमंत्रियों से आपका निजी संबंध होना चाहिए जिस राज्य में आप हैं और जिस राज्य में जाना है तो दोनों के सी एम आपको बहुत पसंद करते हैं और कागज पर लिख के दे दे कि हाँ ये वहाँ जा सकता है और हाँ ये आ सकता है तो आप जा सकते हैं होम स्टेट में आपको पता ही कितना आसान है वो भी तो ज़्यादा अच्छा क्या है जैसे लड़की ससुराल जाती है ना मान लेती है कि अब से मेरा घर यही है तो आप मान लीजिए कि होम गार्डर तो नहीं मिलने जिस राज्य में जाएंगे वही आपका घर है ये मान के चलिए अच्छा रहेगा तो अगर आपका शौक है घूमने फिरने का स्पेशली पुलिस में तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नंबर एक पर रखता आगमुट को आगमुट को या तो नंबर एक पे रखिए या तीन चार पे रखिएगा मैं पहले बताता हूं फिर आप देख लीजिए क्या करना है। नंबर दो पर इस वाले में हरियाणा को ऊपर रखने का क्रेज ज्यादा है लोग क्यों रखते हैं उसे दो तीन कारण है एक तो हरियाणा दिल्ली के पास में है तीन तरफ से उसने घेर रखा है हरियाणा को सोनीपत से घेर लिया रोहतक से घेर लिया गुड़गांव से फरीदाबाद से चार तरफ से घेर रखा है कुल पांच साइड है एक तरफ गाज़ियाबाद है यूपी एक तरफ से चिपका हुआ किसी तरह से चार साइड से दिल्ली को घेर लिया हरियाणा ने तो हरियाणा में रहने का एक बड़ा चांस होता है कि अब दिल्ली से एकदम जुड़े हुए ज़िले में हैं डी एम वगैरह हैं तो वहाँ सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं आप या आपकी फैमिली के लोग दिल्ली रोज़ भी कम्यूट कर सकते हैं अपना काम कर सकते हैं पर पॉल्यूशन कम है दिल्ली की सारी सुविधाएं पॉल्यूशन कम हरियाणा विकसित राज्य है कई मामलों में सड़कें वड़कें बहुत बढ़िया हैं सब कुछ बढ़िया है वहाँ पर समाज का थोड़ा सा अलग मामला है लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सब चीज़ें बढ़िया है डेवलपमेंट बहुत अच्छी है सुविधाएँ अच्छी हैं तीसरा कुछ लोगों के मन में और सुविधाओं की अपेक्षा होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा राज्य जहाँ करप्शन इंस्टीट्यूशनाइज हो तो हरियाणा ने इस मामले में अच्छा मतलब डेवलपमेंट किया है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन वहाँ पर अच्छा है तो कई लोग वहाँ इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ पर पास भी है वो सब भी है सुविधा भी रहती है फिर एक दिन जेल चले जाते हैं हालांकि हरियाणा में मतलब लोग लो ध्यान रखते हैं जेल ना जाना पड़े किसी को लेकिन पिछले सीएम ने भी ये ध्यान रखा था पिछले सीएम जेल में है अभी तो जेल भी शायद दस बारह साल की हो गई प्लस छः साल जो इलेक्शन लड़ने की बाद नहीं लड़ने का जो होता ना अन तो मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि इसलिए मत भरना हरियाणा की वहां पर यह सब चीजें हैं डेवलप्ड स्टेट है छोटा छोटे राज्य में क्या होता है कि पावर थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो जाती है आपको लोग जानते हैं अच्छे तरीके से काम करने का स्कोप है स्पेशली सोशल सेक्टर में काम करने का बहुत स्कोप है अगर आप करना चाहें तो इसलिए हरियाणा नंबर तीन पर मैं कहूंगा पंजाब बशर्ते आपको पंजाबी भाषा सीखने का मतलब कम से कम दबाव ना हो सीख लेंगे ये भाव मन में आता हो एक भाषा सीखनी पड़ेगी पर पंजाब तो आपको पता है मोस्ट डेवलप्ड है कई मामलों में और uh, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सड़कें वड़कें हो उन सब चीज़ों में पंजाब की बात ही अलग है ये ज़रूर है कि वहाँ ड्रग्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा काम करने का स्कोप ज़्यादा है उस मामले में पुलिस में स्पेशली लेकिन जिन वजहों से हरियाणा अच्छा माना जाता है उन्हीं वजहों से पंजाब भी अच्छा माना जाता है सेम रीजन्स कोई भिन्न कारण नहीं है बस ये कि वहाँ पर एक भाषा सीखनी पड़ेगी हरियाणा में वो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हिंदी स्पीकिंग हैं तो इसके बाद आप ले सकते हैं नंबर चार पर राजस्थान को जो लोग राजस्थान के हैं वो उसे नंबर एक पे ले जाए कहने की बात ही नहीं है और इसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स पर चेस हुए हिमाचल और उत्तराखंड होंगे ना नंबर पाँच पर उत्तराखंड को ले लीजिए और नंबर छः पे हिमाचल को ले लीजिए उत्तराखंड हिमाचल को इतना पीछे इसलिए रखा है कि अगर आप पहाड़ के रहने वाले हैं फिर तो अलग बात है फिर आप चेंज कर लीजिए पहाड़ी राज्यों में ना बहुत स्कोप काम करने का नहीं होता है ऐसा सिविल सर्वेंट्स का जनरल परसेप्शन है उसका जीवन वाल टफ होता है तो जनरली उतना एक्सपोजर नहीं है पुलिस में तो एकदम नहीं है पुलिस में तो हालत यह है कि अपराध नहीं के बराबर है पहाड़ों में जो है छोटे मोटे घरेलू किस्म की चीजें होती है इसमें पुलिस तक नौबत नहीं पहुंचती है पुलिस की तो हालत ये होती है जिले में अगर डकैती वकैती हो जाए ना तो डी आई जी आई जी सब पहुंच जाते हैं देखने के लिए डकैती देखिए क्या होता तो है, है तो हालत वहां पर होती है क्योंकि ट्राइम इतना कम है तो क्या करें खाली बैठे इसलिए पुलिस वाले तो बहुत दुखी रहते हैं उनको एक्सपोजर लगता है बिल्कुल नहीं मिल पाया और आई में भी उतना नहीं जितना राजस्थान में मिलेगा हरियाणा में मिलेगा उतना नहीं मिलेगा रही बात आगमुट की अगर आपको दिल्ली में रहना पसंद हो आगमुट का जो ऑफिसर होता है जैसे आईपीएस है आगमुड काडर में आगमुड काडर वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन में लगभग वही छह साल के आसपास पांच छह साल के आसपास दिल्ली के बाहर बाकी सारा समय दिल्ली में रहता है अगर उसका शौक ही कोई बाहर रहने वाला चंडीगढ़ का रहने वाला मान लीजिए कोई व्यक्ति आगमुट कडर में है तो वो कोशिश करके चंडीगढ़ में स्टे बढ़वा सकता है अपना दिल्ली वाला दिल्ली में बढ़वा लेता है गोवा वाला गोवा में बढ़वा लेता है लेकिन आमतौर तो पर दिल्ली के हर आगमुट अधिकारी को एक पोस्टिंग टफ एक पोस्टिंग इजी करनी है टफ का मतलब है अरुणाचल प्रदेश जैसे है इसी में आगमुट बनी है ना अरुणाचल प्रदेश गोवा और कौन सा है मिजोरम और तो बाकी यूटी ने सारी की सारी अब मेरे ख्याल से वो लद्दाख को शायद टफ पोस्टिंग काउंट कर लेंगे वो जो भी होगा रूल्स बनाएंगे एक टफ पोस्टिंग आपको तीन साल करनी है तो दिल्ली में जो आई पी बनते हैं जनरली क्या करते हैं मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्त हैं जो आई में दिल्ली में जैसे ही बनते हैं ट्रेनिंग भी दो साल की दिल्ली आए सीधे अरुणाचल चले जाते हैं वो तो सरकार की भी योजना रहती है इन लोगों की भी रहती है कि जब तक शादी ब्याह हो उससे पहले अरुणाचल करके आ जाओ और वहाँ तीन साल एस पी पी रहे किसी ज़िले में निभाया फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं और एक बार फिर जाते हैं बड़ी उम्र में और आगमुट में वो लोग जो नॉर्थ ईस्ट के ही हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं उनको फिर बड़ी पोस्ट पर वहाँ भेज देते हैं तो ये एडजस्टमेंट हो जाती है एक बार जाना पड़ेगा गोवा या चंडीगढ़ या किसी ऐसी जगह पर जो सुरम्य स्थान है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं बाकी तो आप तीस साल करीब छत्तीस साल में से दिल्ली में रहें तो दिल्ली में रहने का तो फायदा है ही बड़े पद पर हैं तो तो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से नंबर एक पे है बाकी अपना होम स्टेट जो है उसको नंबर एक करके बाकी आप चाहें तो लगभग इसी क्रम में रख सकते हैं अगर आपने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए भाषा नहीं सीखूंगा तो पंजाब को नंबर छः पे कर लीजिए क्योंकि बाकी सब में हिंदी से काम चल जाता है आपका उन सब में आपको भाषा वाला एग्जाम पास नहीं करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए लेकिन पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी का एग्जाम पास करना पड़ेगा और केवल मौके के नहीं लिखित भी गुरुमुखी लिपि सीखनी पड़ेगी उस लिपि में लिखना पड़ेगा और पंजाबी ठीक से बोलनी पड़ेगी पंजाबी गीत तो सुनते ही आप फिर गाने भी पड़ेंगे उसके बाद अभी तक तो सुन रहे हैं ठीक है चलिए ये हो गया पहला अब हमारी जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो था नंबर तीन वाला या इसी क्रम में चलते हैं ना यूपी बिहार वाले में अगर आपने इसको भरा है मतलब कहीं तो ना कहीं तो भरेंगे ही ना उत्तर भारत के व्यक्ति के हिसाब से बता रहा हूं नंबर एक पर यूपी नंबर दो पर बिहार और यदि आप या बिहार के हैं तो रिवर्स कर लीजिए ठीक नंबर तीन पर झारखंड ही रखिए क्योंकि इन तीनों राज्यों में हिंदी भाषा से काम आपका चल जाएगा नंबर चार पर ओडिशा और वहां आपको ओडिया सीखनी पड़ेगी तो भाषा सीखने की बाध्यता और कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है ही और बाकी कोई बहुत अंतर वर्क कल्चर में नहीं है इन सब राज्यों में वर्क कल्चर आमतौर पर एक जैसी है जहां जहां रीजनल पार्टी सी गवर्नमेंट होती है वहाँ की वर्क कल्चर आमतौर पर एक जैसी होती है जहां कांग्रेस या बीजेपी का शासन होगा वहां प्रशासक थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे आमतौर पर तो अभी जैसे बिहार में रीजनल पार्टी है नीतीश कुमार है झारखंड में भी वही स्थिति है उड़ीसा में वही स्थिति है तो जहाँ भी रीजनल गवर्नमेंट होगी इसका मतलब है कि प्रशासक पर दबाव थोड़ा ज़्यादा होगा और प्रशासक के साथ बातचीत करने जो लोग आते हैं पार्टियों वाले वो थोड़े से रफ होते हैं उन्हें बहुत वो संस्कार नहीं होते उनको पता नहीं होता कैसे बात करनी है थोड़ा टफ होता है तो इसमें यूपी इसलिए भी अच्छा है कि यूपी में कम से कम एक नेशनल पार्टी शासन में है और रह सकती है आमतौर पर पीछे तो बीस साल तक नहीं रही लेकिन हो सकता है कि स्कोप रहे बाकी तीनों राज्यों में इसका स्कोप उतना नहीं है जितना जितनी फिर भी है इसके बाद आइए तीसरे वाला इसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नंबर एक पर रखना चाहिए महाराष्ट्र को यह जरूर है कि वहां जाएंगे तो आपको मराठी भाषा सीखनी पड़ेगी वो एक दिक्कत है उसके बाद आप तो गुजरात को रख सकते हैं इसमें भी आपको एक भाषा सीखनी पड़ेगी ये तो है फिर आ जाइए एमपी पर फिर आ जाइए छत्तीसगढ़ पर इन दोनों में भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी लेकिन जैसे महाराष्ट्र में तो ना काम करने का इतना तो स्कोप रहता है मतलब तो वो तूफानी राज्य है आप वहाँ आई हैं तो अलग ही लेवल पे हैं आप वहाँ उसका तो मज़ा ही अलग है गुजरात में आई के पास पावर सबसे कम होती है ध्यान रखना है धत्ती भर पावर नहीं होती है अगर आपको वर्क सेटिस्फेक्शन चाहिए तो गुजरात अच्छा है आपको आश्चर्य होगा गुजरात में जो एस होता है उसकी सिक्योरिटी में एक भी पुलिस वाला नहीं होता है एक भी नहीं होता है तो पिछले साल गुजरात गया हुआ था एक वो जो मूर्ति नहीं पटेल की वहां गया हुआ था तो मेरे एक परिचित ने वहाँ के एस को फोन किया कि मतलब थोड़ा सा मिलने के लिए बातचीत करेंगे वो भी तैयारी कर रहे हैं इसकी तो जब वो मिलने आए तो मेरा अनुमान था कि आठ दस पुलिस वाले आगे पीछे आएंगे ही जिस तरह से एस डी एम मतलब हरियाणा और राजस्थान या यूपी में घूमते हैं एक आदमी बोला, सर, आके बोला नमस्कार सर मैं ही आके एस डी एम हूँ ना आगे कोई ना पीछे कोई अकेले आदमी यार ये तो समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से देश में आ गए फिर उससे दिन भर हम लोग बात करते रहे कई बार तो उसने कहा कि हमारे राज्य में ये माना जाता है कि एस को या डी को थिट परसेप्शन है ही नहीं इतना शांत राज्य खतरा ही नहीं है कोई और पुलिस वाले इसलिए होते हैं कि खतरा है ना कि इसलिए कि शौक पूरा करना है उत्तर प्रदेश में ये भी है ना कि एस डी वगैरह निकल जाए तो वापस ऐसे आएगा इसलिए आठ दस पुलिस वाले साथ में चाहिए असला लेके निकलते हैं कि एस डी एम साहब वापस लेके आना है कुछ आप लोग छेट ही नहीं है फिर एक कलेक्टर से मिलना हो तो पता लगा केवल कलेक्टर के पास एक पुलिस वाला होता है सिक्योरिटी में बस एक ड्राइवर है एक गनर है और कलेक्टर साहब बैठे हैं ना आगे चार गाड़ियाँ ना पीछे चार गाड़ियाँ टाइम टाइम करते हो कुछ नहीं अकेली गाड़ी जा रही चुपचाप ये कलेक्टर की गाड़ी है मजे की बात है कि गुजरात के एस डी कलेक्टर जिनसे मेरी बात हुई वो इस बात से खुश भी रहते हैं कि वो अनावश्यक चीज़ें दो चार दिन अच्छा लगती हैं उससे वो बड़ा खराब लगती है हम बढ़िया से काम करते हैं लेकिन हाँ उनके पास पावर्स कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा है ये वाला शोशेबाजी नहीं है तो गुजरात के आई ने बताया कि हम अकेले राज्य हैं जिनके पास एस लेवल पर हमारे पास विवेकाधीन निधि इतनी है कि डेवलपमेंट के बहुत सारे काम सीधे हम अपने आदेश से करवा सकते हैं इतना जुरू या इतने डिस्क्रिप्शन वाला जूक्शन भारत के किसी और राज्य में नहीं तो मेरी समझ ये है कि दो चार दिन तनाव होगा कि आप जा रहे हैं जंगल में मोर नाचा किसी ने ही नहीं आई निकल गया लोग रुकी नहीं रहे मुड़ मुड़ के देख ही नहीं रहे ये तो होता है वहाँ पर यूपी बिहार में रहने के बाद आदत हो जाती है कलेक्टर साहब निकले पूरे जिले को पता लगता है कलेक्टर साहब निकले हैं गुजरात में ये नहीं लेकिन डेवलपमेंट करनी हो लोगों की हेल्प करनी है तो आपके पास जबरदस्त डिस्क्रिप्शन होती है और का, आप काम शानदार कर सकते हैं मध्य प्रदेश लगभग वैसे जैसे यूपी है यूपी का थोड़ा संशोधित संस्करण आप मध्य प्रदेश को मान लीजिए छत्तीसगढ़ भी ठीक है नक्सली समस्या थोड़ी बहुत बची है बाकी ये सरकार चार पांच साल रहेगी तो नक्सली बचेंगे नहीं समस्या तो नहीं बचेगी नक्सली भी नहीं बचेंगे और फिर ठीक ही हो जाएगा और वैसे भी आई एस आई पी एस के लेवल पर कोई ऐसा रिस्क होता भी नहीं आपको तो उन समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकालना तो मेरी प्रेफरेंस ये है अगर आपको भाषा से लगता है कि नहीं चाहे जो हो मैं हिंदी में ही जीवन गुजारूंगा अपना तो आप इसे रिवर्स कर लीजिए एम पी वन छत्तीसगढ़ दो महाराष्ट्र गुजरात तीन चार।, चार अच्छा मराठी सीखे गुजराती सीखे जब तो एक सीखनी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है फिर तो महाराष्ट्र मराठी सीख लीजिए महाराष्ट्र में वैरायटी ज्यादा है काम करने की स्कोप ज्यादा है चलिए इसके बाद आइए वो वाला जिसमें आप चाहें कि ना ये वाला सबसे टफ है देखो भाई और कई बार क्या होता ना जब होता है कि आदमी वहीं फंसता है जिसके लिए चाहता है कि यह ना फंसू बस तो कोई बात नहीं जो लिखा होगा वही होगा कई लोग इतने सियाने हैं और जैसे प्रेफरेंस भर रहे हैं आजकल वो डी के अंदर से जासूसी जानकारी निकलवा रहे हैं कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं इस बार जिसमें कोई सीट नहीं है पहले वो भर रहे हैं क्योंकि जब चक्का चलते हुए वहां पर आए सीट नहीं है आगे बढ़ जाए मामला और इस तरह से बच जाए किसी तरह से जो खुफिया जानकारी है उनके पास है मुझे उन पर डाउट है कि वो कितनी सही जानकारियाँ हैं अभी कितना ओ प्रिय जानते होंगे मैं जनरली बता रहा हूं अगर आपको अगले चार पाँच दिन में ऐसी जानकारी मिल जाए कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं इन की आउटसाइडर की आपकी कैटेगरी की आप उसके बेस पर थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लीजिएगा लेकिन जनरली जो होना चाहिए इसमें सबसे पहले तो आप भरिए असम मेघालय ये एक कार्डर है दोनों मिला के असम मेघालय आपकी लिस्ट में एक ही रखा हुआ ना इसको भी है ना असम मेघालय में एक तो ये कि असम थोड़ा बड़ा राज्य है काम करने का स्कोप है साथ में एक राज्य और भी है तो आप कभी यहाँ चले कभी वहां ये स्कोप हो सकता है आपके पास तो मैं असम मेघालय को नंबर एक रखूंगा आप ऐसे कहीं तो सोच रहे वेस्ट बंगाल नंबर एक क्यों नहीं रखा तो वेस्ट बंगाल नंबर एक पर नहीं रखना चाहिए भारत में दो तीन राज्य ऐसे हैं जिनको बहुत टफ मतलब काडर के मामले में जो बहुत ही क्लोज स्टेट्स हैं यानी वहां का सीएम आपको भाव देगा नहीं आपकी बात सुनेगा नहीं आप डेपुटेशन मांगेंगे तो नहीं मिलेगी डेपुटेशन इस तरह की छवि है प्रमोशन बहुत स्लो होगी जिनमें से वेस्ट बंगाल है हालत ये है वेस्ट बंगाल में मैं आपको अगर बताऊँ ऐसे कई लोग मैं तीन चार को ध्यान कर पा रहा हूँ भाई जिनको सर्विस में दस साल हो गए हैं नौ साल दस साल आठ साल इस तरह के अभी तक किसी जिले का चार्ज नहीं मिला उनको जिसकी बड़ी वजह है कि वो बंगाल के नहीं है और वो जो बंगाल की रूलिंग पार्टी है उनको शायद पसंद नहीं है रीजनल पार्टीज में ये बड़ा खतरा होता है जैसे केरल में खतरा बहुत ज्यादा रहता है दिक्कत रहती है आउटसाइडर्स को मतलब जो पार्टी काडर है ना उस आर्डर को महत्व तो बहुत ज़्यादा मिलता है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसको कहेंगे डीएम वो बनेगा और वहां कार्यकर्ता भी जब डीएम से बात करेंगे तो डीएम पर दबाव रहता है कि एक एक व्यक्ति की पहचान सीधे सी से है और सी को सुननी है केवल पार्टी के लोगों की प्रशासकों को लेकर उनके मन में ऐसा सॉफ्ट कॉबनर नहीं तो वेस्ट बंगाल दुर्भाग्य से उन राज्यों में शामिल है जिसको लेकर सिविल सर्वेंट्स प्राय डरे है, रहते हैं कितना सच है कितना नहीं हम क्या दावा करें लेकिन ऐसा भय आमतौर पर दिखता है त्रिपुरा में अब तो शासन बीजेपी का है तो मेरे ख्याल से वहाँ चीज़ें उस तरह की भी नहीं होंगी लेकिन लंबे समय तक वहाँ सी का शासन था तो उसको लेके भी कुछ लोग ऐसा कहते थे उस जमाने में जो केरल को लेके कहते थे तो मैं वेस्ट बंगाल त्रिपुरा को तो बहुत महत्व देने के मूड में नहीं रहता हूँ है ना वेस्ट बंगाल में अब ऐसा संयोग तो हो जाता है अब दार्जिलिंग वार्जिलिंग में रहने कुछ समय लेकिन वर्क कल्चर थोड़ी सी टफ है तो असम मेघालय के बाद कुल मिला के ऑप्शन क्या बचे उनमें सबसे शांत राज्य जो है वो है सिक्किम सिक्किम में और इतनी शांति है तनाव नहीं है ज्यादा तो मेरा ख्याल है कि आप सिक्किम को अगर प्रेफर करेंगे तो ठीक रहेगा उसके बाद अब देखिए वेस्ट बंगाल है मणिपुर है त्रिपुरा है नागालैंड है इनमें चुनना है आपको बहुत चुनने का स्कोप है नहीं है ना एक समय के बाद आंख बंद कर लेने चाहिए कबूतर की तरह जब बिल्ली को देखे आंख बंद कर लेते ना कि जो का देखा जाएगा इस भाव से पर मुझे फिर भी भरना हो तो मैं इसके बाद वेस्ट बंगाल भरूंगा उसके बाद भर दूंगा मणिपुर फिर भर दूंगा त्रिपुरा और फिर भर दूंगा नागालैंड इस तरह से अंतिम बचा दक्षिण भारत वाला और दक्षिण भारत वाले में पांच राज्य हो गए हैं पहले चार थे देखो आप इनमें से किसी भी राज्य में जाओगे भाषा सीखनी ही पड़ेगी और जब फ्लाइट से जाना तो फ़्लाइट दस मिनट पहले पहुंचेगी या दस मिनट बाद पहुंचेगी इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए है ना ये सोचना कि दिल्ली से हैदराबाद पास या है, तमिलनाडु या जो चेन्नई है तो और चार घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं ये सब क्या सोचना है अगर तो फ्लाइट से जाएंगे तो चार ही मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो इसलिए ये क्राइटेरिया कम नहीं चलेंगे कि दिल्ली से कौन सा पास पड़ता है पैदल तो आना नहीं है आपको जब फ्लाइट से ही आना है तो फिर क्या दिक्कत है तो मेरी राय में इनमें सबसे शानदार राज्य है तमिलनाडु तमिलनाडु में सबसे मजेदार बात है तमिलनाडु तमिल में, तमिल में आईपीएस को भगवान माना जाता है एकदम तो भगवान कि वो कहते हैं कि परलोक में जो भगवान हो भगवान हो यही लोक में जो भगवान है वो पुलिस वाला है आईपीएस पर आईएस भी लगभग आईपीएस का क्रेस थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन आईएस भी उतना ही सम्माननीय है अच्छी बात है कि वहां की वर्क कल्चर शानदार है पॉलिटिकल पार्टीज में कितना भी घमासान हो वहाँ जो सिविल सर्वेंट्स हैं अक्सर आप उनसे सुनेंगे कि वहाँ वर्क कल्चर बड़ी अच्छी है कोई बहुत डिस्टर्बेंस वो ऐसा नहीं है काम करने का मौका भरपूर मिलता है बस ये कि तमिल सीखनी पड़ती है सीखना ही है तो तमिल सीखिए ऐसा क्या तमिलनाडु के बाद नंबर दो पे है कर्नाटक यहाँ की वर्क कल्चर भी अच्छी है बड़े बड़े ज़िले हैं अच्छी पावर्स मिलती हैं डिस्टर्बेंस बहुत कम रहती है इसके बाद जो बच्चे उन सब में दिक्कत है ये कर्नाटक को के टी कर देते हैं और नंबर पांच पे लिख लो के आर ये कौन सा है केरल है केरल सबसे रोचक राज्य है वहाँ साक्षरता सबसे ज़्यादा है लेकिन अभी तिरुमाला मंदिर पर झगड़ा वहीं चल रहा है कि महिलाएं मंदिर में जाएँ या ना जाएँ जबकि तो साक्षरता सबसे ज़्यादा वहीं पर है तो बहुत विरोधाभासों वाला राज्य है और हमें इसलिए दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर विधवाभा से हम तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि उसको नीचे रखें क्योंकि वहाँ जो शासन है प्रायः लेफ्ट पार्टीज के हाथ में और वहाँ के शासन में आई एस की वैल्यू नहीं है की वैल्यू नहीं है लोकल लॉबीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है पार्टी काडर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो जहाँ भी रीजनल पार्टी लगातार सत्ता में हो और काडर बेस्ड पार्टी हो वहाँ प्रशासक लॉबी हमेशा दुखी रहती है तो केरल कोले के सामान्य छवि यही है अब एक राज्य था जिसके दो हिस्से हो गए हैं हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लगभग बराबर है लेकिन वहाँ के हमारे कुछ दोस्त जो आंध्र प्रदेश कॉर्डर में थे उनमें से कुछ तेलंगाना में शिफ्ट हुए उनसे जब मैंने पूछा तो उनका जनरल परसेप्शन है कि तेलंगाना भविष्य में बेहतर साबित होने वाला है और कुछ होना हो हैदराबाद तो उसके पास ही रहने वाला है तो हैदराबाद तेलंगाना के पास रहेगा भविष्य में ये अपने आप एक बड़ा कारण है कि आप तेलंगाना को क्रैफे कर सकते हैं तो मेरी राय में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा बेहतर है और केरल उन सबसे नीचे है तो अब इसके बेस पे आप भरिए प्रेफरेंस और मन में एक ही भाव रखिए जो मिलेगा ठीक है देख लेंगे है ना ऐसा हो सकता है कि पूरी सावधानी के बाद नागालैंड ही मिल जाए क्या करें और तो नागालैंड किसी का सपना है आपके लिए दिक्कत है और नागालैंड वाले को हरियाणा मिल जाएगा तो उसका भी वही हाल होगा जो आपका नागालैंड में होगा पावर आप तो आई है ना आई पी एस आपको तो पावर मिलेगी जहां भी जाएंगे थसक से रहेंगे आपको क्या दिक्कत है अभी नागालैंड के दो या तीन आई लोगों को मेरा जिनसे परिचय था उनमें से एक ने कुछ दिन पहले कार्डो चेंज किया है विवाह के बाद उनसे तो वो एक ऑप्शन बचता है तो यदि अब तक ना हुआ हो या यदि अब तक कमिटमेंट ना कर दी हो आपने फाइनल तो छः महीने और होल्ड कर लीजिए अपने आप को अगर अब तक आप ऐसी स्थिति में हैं कर चुके हैं तो ये नहीं अब मुझे कार्डर चेंज करना है तुम जाओ ऐसे नहीं करना है है ना कार्डर और व्यक्ति में व्यक्ति बड़ा है और यदि कोई व्यक्ति अब तक नहीं है कोई प्रस्ताव आया हुआ है तो उसको करना छः महीने होल्ड पर रखो कार्डर अच्छा मिला तो तुम ही हो कार्डर खराब मिला तो कोई भी चलेगा फिर तो एक ही पर्पज है कार्डर चेंज हो जाए किसी तरह से ठीक चलो अब अंतिम बात पर आ जाइए क्या है अंतिम बात बताइए हॉबीज वगैरह में हॉबीज पे एक विस्तृत वीडियो तो आप देख ही लीजिएगा अभी हम संक्षिप्त बात कर लेते हैं वो वीडियो देखा है आपने यूट्यूब पे हॉबीज वाला एक वीडियो है अगर डाउट हो ना तो उसके ऊपर देख लीजिएगा हाँ आपके साथ ही अगर है मैं देखो मैंने आज सुबह फिर कन्फर्म किया दो सिविल सर्वेंट से ही कन्फर्म किया अभी भी बहुत क्लियर नहीं है मामला ये डॉक्यूमेंट है ना ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई प्रेफरेंस ना भरे देखो यूँ समझो जैसे ये जोन है एक दो तीन चार पाँच जोन टू एक दो तीन चार नियम क्या है कि आर्डर ऐसे चलता है ये नहीं मिला फिर ये नहीं मिला ये नहीं मिला ये ये फिर ऐसे चल जाता है ये तरीका है मान लो यहाँ भरा ही नहीं है डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि इसके बाद ये मामला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ठीक है और मान लो जोन कोई ऐसा जोन है जैसे ये है जोन फाइव आपने जोन फाइव में कुछ भी नहीं भरा है तो क्या होगा इसके बाद ये यहां चला जाएगा डॉक्यूमेंट ये कहते हैं वही मैं कह रहा हूं ना वही वही आपसे कह रहा हूं ना इस पर जो डिसीजन आया पहला वो डिसीजन ये है कि ऐसा नहीं होगा अगर आपने बीच में एक भी छोड़ दिया तो हम ये मान लेंगे कि बाकी सारे बराबर है आपके लिए इसके खिलाफ केस हुआ जिन लोगों ने केस किया उनमें से उसको रिलीफ मिल भी गया उसके बाद भी भारत सरकार का सामान्य स्टैंड ये है कि हम ये चॉइस नहीं देना चाह रहे कि आप इसमें छोड़ सकें तो आज भी जो मेरी दो लोगों से बात हुई उनका कहना यही था कि ट्रेंड यही है सरकार के अंदर कि सारी प्रेफरेंस भरी जानी चाहिए तो मेरा ख्याल है क्यों पंगा मोल लेते हैं सारी भर दीजिए ऐसा तो वो देखेंगे जीटर अगर किसी की डिसेबिलिटी है उसको तो इस मामले में इतना कंपनसेशन कर दिया गया है कि वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकते हैं केवल दो कार्टर भरने हैं एक होम कार्डर भर दीजिए पहली चॉइस एक एडिशन कार्डर भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको कार्डर वो वाला दे सेकंड होम कार्डर मिल गया तो बात ही खत्म हो गई मान लीजिए कि सेकंड कार्डर में वैकेंसी है ही नहीं तो इस डॉक्यूमेंट में पता क्या लिखा है अगर वैकेंसी नहीं है तो भारत सरकार एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट करके पर्सन विद डिसेबिलिटी को कार्डर अलॉट करेगी तो आपको दो ही कार्डर भरने हैं बस एक अपना राज्य भर दो एक सौ सौ वाला भर दो कहाँ पर है आपकी अभी फाइनल नहीं है कोई बात नहीं चलो जब फाइनल हो जाएगी तो मजा आ जाएगा ये है, इसको करना है तो। नहीं, आपके नहीं। अगर आप उस सर्टिफिकेट के साथ हैं तो फॉर्म में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगे जैसे ही आप दूसरा भरेंगे फिर शायद बंद हो जाएंगे आप चेक करके देखिए मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर है तो मतलब ये मैं जो मेरे मित्र हैं ये वगैरह उन सब की राय पे बता रहा हूँ पंजाब बेहतर है पंजाब अच्छा है ठीक और कार्डर को लेकर इनका सवाल समझ गए ना कि अगर पंजाबी आती हो और हरियाणा में हिंदी आती ही है या राजस्थान भी अपना स्टेट है तो पंजाब हरियाणा में से अच्छा कौन सा रहेगा तो पंजाबी आती है तो फिर पंजाब बेहतर है नहीं तो हरियाणा ठीक है स्पष्ट बढ़े फिर चलिए। अब ये जो तीसरे वाला कॉलम है इसमें जो चार पांच शब्द आते हैं एक तो आता है प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप जो आपने जीते हों यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल लेवल पर जीते हों तो यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल लेवल पर अगर आपने कोई प्राइज जीता हो कोई मेडल जीता हो या स्कॉलरशिप जीती हो कुछ बच्चे परेशान रहते है हैं कि हमारा पूरा खाली छूट जाता है वाला <laughs> इसमें कुछ भी भरने को है नहीं तो क्या भरें? स्पोर्ट्स किया हो एनसीसी किया हो या एटसेट्रा किया हो तीसरा है पोजिशंस ऑफ डिस्टिंक्शन या लीडरशिप पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन या लीडरशिप इन स्कूल और कॉलेज और चौथा है जिससे काम चल जाता है अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट्स एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज और आपके इंटरेस्ट क्या है ठीक है तो पहली बार तो चारों में कुछ ना कुछ ठूसी देना ऐसा जरूरत नहीं है अगर आप इनमें से दो भी भरते हैं तो काफी है चारों में भरने के भाव से मत भरिए कोई ना कोई प्राइज कोई ना कोई मेडल कोई ना कोई सोच तो मिली होगी आपको ना लेकिन इस बार रोचक बात है कि पहली बार इसका सर्टिफिकेट मांगा गया है इसके पहले नहीं मांगते थे इस बार सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा गया है हालांकि मेरा अभी भी ख्याल है कि अगर आप कह देंगे कि सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास तो बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं इस बात से लेकिन अब मांगा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आप लोगों को ठीक है मतलब तो मैंने तो पाया कि हर बच्चे को कोई ना कोई पैसा तो मिल ही जाता है बचपन में अगर थोड़ा सा भी ठीक हो कोई ना कोई पैस तो मिलता ही है हाँ मतलब दिखाने के दिखा दीजिएगा कि उसमें अगर लिखा होगा उसका पैसा है कौन सी स्कॉलरशिप थी आपकी अरे तो बहुत शानदार है एन टी एस सी आपने पास कर लिया था बड़ी खतरनाक स्कॉलरशिप होती है तो ये तो जरूर लिखना भाई एन टी एस सी हो या किसी ने जे आर एफ निकाल लिया हो आप कितने लोग जे आर एफ वाले हाँ तो जे आर एफ लिखिए गुमधाम से लिखिए कईयों के पास छोटी छोटी स्कॉलरशिप होती है जैसे श्रीमती कौशल्या देवी वार्षिक मतलब ऐसी छात्रवृत्ति सौ रुपये महीना मिलती है जो अगर वैसी भी है और सर्टिफिकेट है तो लिखिए उसको क्या परेशानी है ठीक है अगर इनमें से कुछ है तो ठीक है वरना डिबेट में सिंगिंग में किसी कंपटीशन में खेल वाले में कोई तो प्राइज़ मिला ही होगा अगर है तो ठीक है नहीं भी तो तनाव मत लीजिए अगर आपसे पूछेंगे आपको आज तक एक भी प्राइज नहीं मिला और आप आइए बनने आ गए क्या बोला सर मिले हैं पर सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए मैं उसको लिख नहीं पाया बाकी मुझे प्राइज मिले हैं एक दो कुछ सोच के जाइए जो आपको मिला हो कुछ तो मिला ही होगा ना भाई कम से कम गली में कोई कंपटीशन हुआ वो उसमें फर्स्ट आए होंगे गली में तीन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एक थर्ड तो आओगे ना कम से कम तो वो भी तो प्राइज़ ही हुआ तो बोलने के लिए बोल दीजिएगा कि हाँ इस पर प्राइज मिला है स्पोर्ट्स एनसीसी एटसेट्रा इस एटसेट्रा में आप एन को ध्यान रख लीजिए अगर आपने एन किया हो एन एस एस किस किस ने हाथ खड़ा करें हाँ और एनसीसी हो गया अरे वो सब हो गया। एनसीसी में आप बस अपना लेवल देख लीजिएगा कौन से वाला था सर्टिफिकेट किस लेवल का है वो तो ये हो नहीं सकता कि सर्टिफिकेट ना हो एन का एन एस की है तो भी ठीक है स्पोर्ट्स में अगर कोई प्राइज मिला है सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लिख दीजिए नहीं तो इस वाले में तो लिख ही सकते हैं तो स्पोर्ट्स में प्राइज हो तो सेकंड में लिखिए और नहीं तो फिर फोर्थ में लिख लेंगे उसके मुझे ऐसे इंस्पायर की स्कॉलरशिप थी डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता सर वो अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है हाँ तो ठीक है अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी चढ़ा दीजिए उस पर आता था वो कार्ड भेजते थे एस का अपना कार्ड होता है वो अच्छा सर उससे निकलता तो अभी कार्ड भी नहीं है पता नहीं बहुत पहले की बात है सर मतलब मेरी अभी भी समझ ये है कि अगर आप लिख भी देंगे ना तो जब वो अंत में पूछेंगे आपसे उसको तो दो लेवल्स हैं एक तो इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि सर उसका प्रोसेस ये था एक इंटरव्यू के बाहर जो क्लिनिकल स्टाफ है वो पूछेगा कि आपने लिखा है सर्टिफिकेट दो आप नहीं दे पाएंगे तो एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैंने ये स्कॉलरशिप ली है मैं प्रमाणित करता हूँ इस कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है आप चाहें तो जाँच करवा सकते हैं यदि ये तथ्य झूठा पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी जैसे आप एफिडेविट दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी तो एफिडेविट एक अच्छा तरीका उसका हो सकता है आप लिखिए अगर ऐसा है तो लिख दीजिए स्पोर्ट्स में भी अगर कुछ है तो आप लिख दीजिए और उसके बाद एफिडेविट दे दीजिएगा कि सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास लेकिन ज्यादा अच्छा है कि फिर फोर्थ में लिखिए उसको पोजिशन ऑफ डिस्टिंक्शन या लीडरशिप इसमें सबसे छोटा होता है कि अपने क्लास के मॉनिटर थे सर हमारे यहाँ सर जनरल मॉनिटर हो हो होता सर, है जिसको आप जनरल मॉनिटर कह रहे हैं जीएम हो गया स्कूल का हाँ तो जीएम कह लीजिए वो भी होता है कई तरीके होते हैं जैसे कई स्कूलों में तो पार्लियामेंट होती है पूरी जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना वो उस स्कूल में पूरी संसद थी वो जो विद्या भारती के स्कूल होते हैं ना उनमें सब प्रयोग चलते हैं तो समर्थ बाल संसद कहते थे प्रॉपर इलेक्शन होते थे तो हमने तो इलेक्शन तो लड़े जीते हर बार जीते तो सर्टिफिकेट नहीं है उसका लेकिन आप कह सकते कि एफिडेविट दे रहा हूँ कि उस स्कूल में इस साल में मैं इस पद पर था पता करवा लो ठीक तथ्य तो है आपके पास तो स्कूल में अगर आप किसी पद पर रहे कई होते हैं जो मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ के हेड हो जाते हैं कोई एग्जीबिशन हेड हो गया कोई स्कूल में वो होते हैं ना हाउसेस छोटे छोटे एक हाउस का हेड है स्पोर्ट्स हेड हो गया स्कूल का कोई ऐसे डिजिग्नेशन आपको मिली हो या हॉस्टल में मेस प्रमुख तो रहे होंगे कम से कम एन एस का भी हेड होता है और मेस प्रमुख जो होते हैं ना करप्शन की शुरुआत वहां से जीवन में होती है कई लोग वहीं से कार्यक्रम शुरू करते हैं एनसीसी में रैंक मिलती अंडर अंडर ऑफिसर सीनियर ऐसा कोई भी रैंक मिला हो तो उसको आप यहाँ पर लिखिए डॉक्यूमेंट तो अच्छी बात है नहीं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा जिसके पास ऊपर कुछ नहीं तीनों खाली खाने खाली रह गए हैं उसके लिए यही एक अंतिम उपाय है इसमें आप बता सकते हैं कि आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं पाठ्य गतिविधियां या आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं हॉबीज क्या क्या हैं बहुत ठोसी है गांत एक दो या तीन हॉबीज उससे ज्यादा नहीं और जो सूत्र है पहली बात कोशिश करनी है कि जो भी हॉबी लिखें एक्टिव टाइप की लिखें पैसिव ना लिखें एक्टिव का मतलब है आपको कुछ करना पसंद है ना कि कुछ होते हुए देखना पसंद है क्रिकेट देखना से अच्छा है क्रिकेट खेलना टीवी देखने से अच्छा है कि आप कुछ एक्टिविटी करते हैं नाटक देखने से अच्छा है नाटक में भाग लेना दौड़ना दौड़ देखने की तुलना तो में दौड़ना वो बेहतर है तो जो भी आपकी हॉबी आप चूज करें कोशिश कीजिए कि उसमें एक्टिव इंटरेस्ट दिखे पैसिव इंटरेस्ट ना दिखे दूसरा वो ओवर सोशल ना दिखे और अनसोशल भी ना दिखे सोशल टच के साथ है तो ठीक है ओवर सोशल एलिमेंट अगर उसमें आ रहा है ना कई बच्चे देखते हैं गरीबों बूढ़ों दीन दुखियों की सेवा करना तो पढ़ता ही लगता है कि बहुत मक्कार किस्म का आदमी है जो अभी इसी लेवल से झूठ बोलना शुरू कर दिया इसने तो ऐसा मत लिखिएगा समाज सेवा करना दीनहीन लोगों की सेवा करना वो सब ड्रामा मत कीजिए उस ड्रामे की जरूरत नहीं है और इतना अनसोशल नहीं जैसे घोड़ों की दौड़ में जुआ लगाना ऐसा भी मत लिखिएगा है कुछ ऐसा जो सोशल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए एक 25 साल के जिंदा दिल इंसान के बारे में उसकी खूबसूरती व्यक्त कर सके जैसे कुछ हो सकता है गाना पेंटिंग करना सैर करना जॉगिंग करना टीचिंग करना रिसर्च करना ऐसा कुछ भी फिल्म देखना है तो फिल्म देखना है नहीं फिल्मों का अध्ययन करना फिल्मों की समीक्षा करना ऐसा कुछ लिखिए फिल्म देखना कौन सी बड़ी बात है देख ली लेकिन अब देखने के बाद उसको सोचते हैं उस पर कुछ रिव्यू लिखते हैं ये कुछ खास आपके बारे में और यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है ना उसने साफ साफ कह रखा है कि हम क्या क्या देखते हैं किसी उम्मीदवार में वो आज मैंने कुछ शब्द नोट कर लिया आपको बताने के लिए ताकि आप समझ लें कि दरअसल वो आपको क्या ढूंढ रहे हैं कई लोग दस दिन लगाते हैं इसी में कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगा वो सब कोई नहीं पूछता है ना दो तीन मिनट के बाद कोई ध्यान नहीं देता कि आपने क्या पहने आप कितने स्मार्ट दिख रहे हैं कितने भयानक सुंदर आप हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दो ढाई मिनट का मामला है उसके बाद तो कंटेंट बोलेगा जो आपके पास होगा उसमें लिखा है कि हम देखेंगे मेंटल कैलिबर और मेंटल कैलिबर का मतलब है नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बट ऑल्सो ट्रेट्स और फिर व्याख्या की है कि जैसे हम क्या क्या देखेंगे पहला है कि उस व्यक्ति की मेंटल अलर्टनेस कैसी है दूसरा है क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमेशन यानी वो चीजों को जोड़ कितना पाता है समा कितना पाता है तीसरा है कि उसका क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन जिस बात को कहता है उसकी व्याख्या लॉजिकली और क्लैरिटी से कर पाता है कई लोग बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कुछ बोलते हैं समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली exactly क्या कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात को ठीक से और तर्कों के साथ समझा पाते हैं या नहीं ये देखेंगे चौथा है बैलेंस ऑफ जजमेंट हमेशा ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है एक तरफा फैसले करने से बचना इंटरव्यू में जैसे सी इस बार का द इशू रहने वाला है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा वही रहेगा एक तरफा नहीं होना है ना सरकार का भूपो बनना है न सरकार को खारिज कर देना है आपको एक सही बैलेंस के साथ बात करनी होगी फिर है वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसलिए कहा डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट फिल्म देखना अगर आपका है शौक है फिर दिखना चाहिए कि वह शौक है फिर आपसे फिल्मों में बात करते हुए लगना चाहिए कि, कि किसी फिल्म के शौकीन से बात हुई है एरे गेरे से बात नहीं हुई है किसी गहरे व्यक्ति से बात हुई है और आपकी जो भी हॉबी है उसमें डेप्थ और डेप्थ नहीं फेगर फैक्ट नहीं सिर्फ उसकी समझ आपको कितनी गहरी है ये देखना चाहिए उसके बाद है एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप लीडरशिप तो दिखेगी और अंतिम है इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी ईमानदारी दिखनी चाहिए बेईमानी नजर ना आए और सबसे बड़ी बेईमानी दिखती है ये कहने में समाज की सेवा करना मेरी हॉबी है ये बेईमानी का पहला अनुभव हो जाता है वहां पर ईमानदार रही है ना बीस पच्चीस साल की उम्र में बच्चे जैसे होते हैं ना वैसे ही रहिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ स्मार्ट बनने का प्रयास मत कीजिए तो एक्टिव हो पैसे ना हो ना सोशल टच होना चाहिए बहुत एलीट किस्म की ना हो है ना होनाटि से बचिए जैसे कार की रेस करना मेरी हॉबी है ऐसा ना बाइक रेसिंग मेरी हॉबी मत कीजिए सब ये दिखे कि आप एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं बहुत बड़े शौक नहीं पाल रखे आपने कि नौकरी की सैलरी से काम ही नहीं चल पाएगा आपका इतना बस दिखे अब उसमें यदि कुछ हॉबीज़ आपके दिमाग में है पूछना चाहें कि ये लिखना ठीक है नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि वो लिखना ठीक रहेगा या नहीं और वैसे इस पर एक पूरा वीडियो कम से कम आधे पौने घंटे का है यूट्यूब पे मेरे नाम से है उसमें सारी मतलब बीस पच्चीस हॉबीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है और क्योंकि मैं वही हूं तो मैं वही बात फिर से बोलूंगा

लेकिन लिख ले सकते हैं ये कहना कि यात्राएं करना ब्रैकेट में विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों की ठीक और ये जो विशेष तो नहीं है वो भी आमतौर तो पर पर्वतों पे तो है तो जब बात होगी तो बोल देना कि पर्वतों में वहां भी जाते हैं मुख्य रुचि तो वो नहीं स्थल वाली वही है एज क्या अभी आपकी <laughs> 27 में तीर्थ यात्राओं की रुचि होगी आपकी <laughs> सर मुझे अच्छा लगा कुछ वो सब तो <laughs> है, है तो है, रुचि करता हूँ पहला इंप्रेशन मेरे मन में आएगा कि ये ठीक नहीं है थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन आएगा पर अब देखो, आप जिस उम्र में है ना उस उम्र के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा तो पर्वतीय यात्राओं तो ठीक है लेकिन अभी मनाली कुल्लू मसूरी शिमला भी ये सब करो हाँ भाई बोलो इसको लेके बोलो हाँ टाइम स्पेंडिंग एंड प्लेइंग विद डॉग्स टाइम स्पेंडिंग एंड प्लेइंग विद डॉग्स नहीं टाइम स्पेंडिंग कैसे हो भी हो सकती है आ, सर लेट्स से मींस रोड पे जाते हैं कोई स्ट्रे डॉग मिल जाता है तो उन्हीं के साथ मतलब मिल हैं अच्छा आप कहना चाह रहे हैं कि डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करना और खेलना है तो खाली प्लेइंग कर लो टाइम तो अपने आप लग ही गया उसमें तो प्लेइंग विद डॉग्स कर सकते हैं और या केयरिंग फॉर स्टे डॉग्स कर सकते हैं पर केयरिंग आते ही ना थोड़ा हा, हा, उससे लगता है थोड़ा ज्यादा वो हो, हो रहा है ठीक है प्लेइंग विद डॉग्स एंड एनिमल्स कर दीजिए केवल डॉग्स नहीं कोई और भी एनिमल मतलब मान लीजिए गाय आ जाए आपके सामने कि मेरे साथ भी खेलो और <laughs> मना थोड़ा कर देंगे उसको और सरकार जैसी इस समय गाय का महत्व तो ज्यादा है इस समय है ना तो प्लेइंग विद एनिमल्स स्पेशली डॉग्स कर दीजिए ऐसा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं अच्छी होगी बढ़िया है। सर लोकगीत तो शानदार है फोक म्यूजिक फोक सॉन्ग खूब बढ़िया है अच्छा गाते हो नहीं गा ले गा तो मैं भी लेता हूँ <laughs> लेकिन अगर मैं गा दूंगा इंटरव्यू में नंबर कट जाएंगे मेरे आपके गाने से आपके नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे ये देखना है आपको समाज ने क्या बताया अब तक आप अच्छा गाते हैं ऐसी राय है आपके बारे में हाँ तो लिखिए और ये मान के चलिए फिफ्टी परसेंट चांसेस है कि आपसे दो चार लाइन सुनेंगे पूरे सुरताल के साथ बर्ड फीडिंग बर्ड फीडिंग बहुत बढ़िया है हाँ बर्ड फीडिंग बढ़िया हॉबी थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में ठीक से लेकिन तो बर्ड फीडिंग अच्छी है सर आपके वीडियो में ये था कि क्रिकेट एक अच्छी हॉबी नहीं है तो क्या क्रिकेट इसलिए अच्छी हॉबी नहीं है कि उस पर रिसर्च जितनी आपकी उससे ज्यादा उन लोगों की होगी क्रिकेट पर भारत में हर व्यक्ति कम से कम एक ऐसा सवाल जानता है जो सिर्फ वो जानता है और इसलिए आप कितना ही पढ़ के जाएंगे ना वो वाला सवाल आपको नहीं पता होगा जो पूछ लेगा आपसे तो सर फिल करना चाहिए कि नहीं नहीं कर सकते अगर आपका सच में शौक है गहरा तो कीजिए बस एक एक प्रश्न फंस सकता है इतना ही मामला है सब पढ़ने के बाद वही काम करते हैं बस हाँ तो फिर अगर ऐसा है तो फिर लिखिए क्रिकेट खेलना ना कि देखना हाँ, सर खेलना ही हाँ क्रिकेट खेलना हाँ तो लिखो कोई दिक्कत नहीं सर अगर पोइट्री लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक हो सकते हैं जैसे कि श्रृंगार रस से और करुणा रस में हम कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लिखने में श्रृंगार में ज्यादा इंटरेस्ट है ये बताने की जरूरत नहीं है <laughs> ये तो लोग अपने आप ही समझ जाएंगे बाकी किसी रस में तो और मत बताओ करुण रस बताने की बात है इस उम्र में भी आपको छोड़ो ना लिखिए कि कविताएं लिखना ठीक है कोई विषय है तो लिख सकते हैं विशेषता है इन मुद्दों पर लिखना मत लिखिए और कुकिंग लड़कियों को भूल के भी नहीं लिखना चाहिए लड़के लिखे तो ठीक है क्योंकि जैसी आप कुकिंग लिखेंगे ना तो पहला भाव आता है कि बेचारी की मजबूरी थी शौक बना लिया ये भाव आ जाएगा लड़के लिखे तो बढ़िया है कुकिंग उससे लगता है कि चलो थोड़ा सेंसिटाइज मतलब सेंसिटाइज व्यक्ति है समझता है इन बातों को ऐसी कपड़े धोना अगर हॉबी है कोई लड़के लड़के लिखते हैं कई बार बड़ा अच्छे नंबर कई बार आते हैं कपड़े धोना हाँ सच में तो कोई पुरुष लिखे तो ठीक है कोई लड़की लिखे तो फिर वो भाव आता है कि अच्छा बचपन से इतना ढुलवाया कि इसको शौकी हो गया है मत लिखिएगा कुकिंग तो एकदम बनवा लेते हैं वहीं पर वर्बली बनवा लेते हैं <laughs> 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 एक आई आर एस अधिकारी अब तो उसने रिजाइन कर दिया कुछ दिन पहले उसने लिखा कुकिंग लड़का था और सी था उसका मीडियम तो इंग्लिश था इंग्लिश में ही इंटरव्यू भी था उस जमाने में चॉइस नहीं थी कि आप मेंस इंग्लिश में, में दें इंटरव्यू हिंदी में दे तो मेंस इंग्लिश में था तो इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ तो उससे बोले कि ओके टेल अस हाउ टू प्रिपेयर कड़ी अब कड़ी बनाने के लिए बेसन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा उसको और भाई किचन के आइटम्स ऐसे जो इंग्लिश में नहीं समझ में आते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर में बोला कि सर क्या नहीं मैं कड़ी नहीं हिंदी वो सब है लेकिन हाँ वो बनवाते वो आपसे पूछ लेंगे क्या क्या पसंद है फिर एक रेसिपी पूछेंगे कैसे बनाएंगे एक एक पक्ष पूछेंगे ध्यान से कितनी देर रुकना है कैसी आंच पे चलना है मसाला कब डालना है कितना डालना है वो सब ये देखने के लिए कि सच में बनाया है या नोट बना गया आए आप कह सकते हैं कुकिंग इंडियन डिशेज ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, जनरली बोर्ड मेंबर्स में से पांच में से कम से कम तीन या साढ़े तीन या चार ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे तो वो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो नॉनवेज से नफरत भी करता हो फाइन टाइप का हो और बाई चांस वो चेयरपर्सन अगर हुआ तो हो सकता है उसको थोड़ा सा आखिर तो यदि कोई ऑप्शन है ही नहीं तो लिख दीजिए पर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सेफ रहने में क्योंकि वेज तो सब खाते हैं नॉन वेज में किसी किसी को तनाव हो जाता है और अब नॉन वेज का वर्णन करेंगे चटकारे लेके और वो जो दो लोग बैठे हैं और उनको दुख हो रहा है कि मुर्गा मार दिया बिना बात के तो फिर और दबाव हो जाएगा तो थोड़ी सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर है कि आप कोई वेज डिश बताए नॉन वेज से बचे लेकिन हाँ जनरली इसमें कोई रिस्क नहीं है कोई डरने की बात नहीं है लेकिन सस्पेंस थ्रियर से आपके बारे में बहुत अच्छी सूचना जानी रही है दिक्कत भी नहीं है इसमें बुरा भी नहीं जा रहा है सामान्य बात है सस्पेंस ठीक है ये कोई आपके बहुत पक्ष में जा रहा है ऐसा भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है लिख सकते वेब सीरीज।, वेब सीरीज भी ठीक है जितने लोग फिल्म लिख सकते हैं उतने लोग वेब सीरीज भी लिख सकते हैं आजकल वेब सीरीज फिल्म का अच्छा तो ठीक है फिर लिखो मत हिंदी एंड इंग्लिश

वॉकिंग भी लिख सकते हैं या गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स भी लिख सकते हैं मतलब लॉन्ग वॉक तो मानी गई है कि अपने आप से बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है तो यदि आप उसको फिलोसोफाइज करके उस एंगल पे ले जाएं कि वेन एवर आई विश टू टॉक टू माई सेल्फ देन वॉकिंग इज माई बेस्ट हॉबी या बेस्ट इंटरेस्ट एंड आई गो फॉर फोर टू फाइव किलोमीटर लॉन्ग वॉक सो सो देट आई कैन गेट वन आवर एट लीस्ट एंड टॉकिंग टू मी फॉर वन आवर मेक्स मी कॉन्फिडेंट एंड काम फॉर द डे ऐसा कुछ बोलिए अच्छा है, बहुत शानदार हॉबी है तो सबसे बड़ी बात है जिनको आप बता रहे हैं वो भी उस दौर में चल रहे हैं आजकल कि एक घंटा घूमते ही खुद से बात करते ही हैं। तो आप भी कीजिए लोगों से बात करना कह है सकते हैं आपको देख के आपसे बात करके पहली बार मुझे लग रहा है कि ये है नहीं आपकी हॉबी सच में अनजान लोगों से बात करना है तो बढ़िया पर इसको लिखने का तरीका कुछ और बेहतर हो सकता है पता जान पहचान वाला है आपने भागो, भागो हम तो से बात करेंगे अब जैसे आपने अनजान से बात की अब उससे पहचान गई अगली बार बात नहीं करोगे उससे फिर आप अब तो वो अनजान रहा नहीं इससे बेहतर है नए नए लोगों से बात करना ऐसा कुछ कर लीजिए ठीक है

दिन के आखिरी इंटरव्यू दो छोड़ा समझ गए तो वो उनके ऊपर भी समय का दबाव अलग अलग होता है ना दिन भर में हाँ भाई जैसे सर मैं कुशीनगर से आता हूँ तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है तो मेरा परिवार भी उसी में इन्वॉल्व होता है तो मैंने अपनी इंटरेस्ट में हॉबीज में लिखा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ तो सर जैसे मैं सी ए इंटरव्यू में गया था तो मैं अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेता हूँ सर तो जब मैंने वहाँ पे ये कहा तो सर को विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउ कैन दिस बी योर पहली बार में ऐसा डाउट आ सकता है लेकिन फिर वो कन्विंस कर सकते हैं आप। मैंने किया था फिर। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़ कर दीजिए। अच्छा। और जब बात हो तो बोलिए कि मेरे परिवार में सब लोग खेती करते हैं मैं तो पढ़ाई करने के लिए बाहर रहता हूँ लेकिन जब भी वहां जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ हेल्प करना थी। 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 या ऐसा कर दीजिए इससे बात और स्पष्ट हो जाएगी कि है आपका ये। तो वो डाउट्स खत्म हो जाएंगे भाई आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हैं किसी भी शहर में रहते हैं पर पेरेंट्स के पास जाएंगे उनके काम में हेल्प करेंगे तो कोई भी समझता है तो हेल्पिंग माई पेरेंट्स इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऐसा फ्रेंड सर्किल में उनकी समस्याओं को सुनना और पॉसिबल उनको सोल्यूशन सोल्यूशन देना इसको आप काउंसिलिंग कह सकते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या प्रोवाइडिंग उंसिलिंग टू माई फ्रेंड्स एंड जूनियर्स ऐसे कर सकते हैं ब्युटी ब्युटी हाँ कर सकते हैं क्राफ्ट मेकिंग कार्ड मेकिंग ड्राइंग पेंटिंग ड्रॉइंग इनमें से कुछ भी केवल एक लिखेगा लेकिन इनमें से कोई भी एक लिखिए आराम से तो हम आज के पहले सेशन को समाप्त कर दें और कुछ दिनों के बाद फिर हम आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि आप लोग को बोलने का मौका दें यहाँ पर खूब yes. बुलवाए ताकि आप खुल जाए थोड़े से चाह रहे हैं तो तीन चार दिन में हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करके आप सबको मैसेज करते हैं फिर शुरू करते हैं मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरव्यूज आपके चौबीस फरवरी के आसपास से शुरू होंगे तो हम अगर सात आठ से भी एक रेगुलर प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो टाइम पर्याप्त होगा हमारे पास क्लासेस भी हम रखेंगे जैसे इकोनॉमी की साइंस टेक की और जो करंट अफेयर्स हैं ऑप्शनल्स हैं उनकी क्लासेस भी हम प्लान कर रहे हैं आमतौर पर यही वो सब चीजें होने वाली हैं तो मान के चलें कि सात से पंद्रह फरवरी हम रेगुलर्स प्रोग्राम करेंगे क्लासेस का

तो वो जो पंद्रह बीस मुद्दे हैं उसकी लिस्ट आप बनाइए वो क्लास कर लेंगे उस पर ठीक है आप तनाव मत लीजिए बस मस्ती से बोल के आना कोई चिंता की बात नहीं है वो लोग आपसे ऐसे हिंदी नहीं चाहते कि आप शुद्ध हिंदी बोलें एकदम आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपने हिंदी में कहीं कोई समस्या नहीं है टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में आराम से बोलिए ये ऐसा कोई भी वर्ड जो हिंदी में इजीली नहीं है उसको है आप आराम से इंग्लिश में बोलिए कोई आपसे नहीं कहेगा ऐसा ठीक है कई लोग डरा देंगे आपको कि तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे हो तो हिंदी बोल के बताओ। उन लोगों से बचना। में बचना यूपीएससी में आमतौर तो पर ऐसा कोई नहीं करता वो सब चाहते हैं कि आपकी भाषा केवल एक माध्यम है बात कहने का उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं होता है ठीक है समाप्त करें चलिए शुभकामनाएं और जल्दी फिर से मिलते हैं हम लोग